हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ हम लोग जो क्लास ट्वेल्थ के बउआ बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में अब तक जितना भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अब तक कहे के मतलब कि 2022 ये लिख रहे हैं बउआ, 2022 तक में, मतलब 2009 से लेके 2022 तक में जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको पूछा गया है, वो टोटल क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि उसका आंसर क्या रहेगा। पेन पेपर लेके बैठिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको नोट करते जाना है। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ी सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड है, अगर आप इसको कर लेते हैं ना, देखिएगा 2022 में कितना सारा क्वेश्चन रिपीट, 2022 वाला लास्ट में वो करवाएंगे, 2021 से यहाँ पर आपको शुरू करने वाले हैं, 2022 वाला क्वेश्चन आपको हम लास्ट में करवाएंगे, देखना कितना सारा क्वेश्चन आपको रिपीट करता है, कितना सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड रहता है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक कर दीजिएगा, आपका चैनल है पीसीएम एजुकेशन सेंटर, इसको लाइक कर देना है चैनल को, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, इसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले 2021 वाला क्वेश्चन से प्रारंभ कर रहे हैं बुआ। लीजिए, आपका स्टार्ट हो रहा 2021 के क्वेश्चन, और 2021 के सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपको आ गया है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए क्या दिया गया है, कहा गया है बुआ, यहां ध्यान देना क्वेश्चन क्या आपको कहा गया है। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये कहा गया कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड इज, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपको है ना, उसको विटामिन को कहते हैं, एंजाइम को कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, एमिनो अम्ल को कहते हैं। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कहते हैं। ध्यान आपको रखना है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, वो एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, ये हम लोग किसको कहते हैं, तो विटामिन को कहते हैं, किसको कहते हैं, विटामिन को कहते हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है, वो विटामिन सी को कहा जाए कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या कहेंगे, तो विटामिन के कहेंगे। पूछा जाए कि किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसके बारे में आगे भी आपको क्वेश्चन दिया है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या कहते हैं बुआ, 2022 से पूछाना है, 2021 का क्वेश्चन है, 2022 में भी सेम क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया है, आप देखिएगा आगे आपको मिलेगा। तो एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं बुआ, तो विटामिन को कहते हैं। पूछा जाए कि एस्कॉर्बिक एसिड कौन विटामिन है ना, एस्कॉर्बिक एसिड कौन विटामिन, तो सीधे कह देना कि विटामिन सी, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा विटामिन। और कौन सा विटामिन रहेगा बुआ एस्कॉर्बिक एसिड में, एस्कॉर्बिक अम्ल में कौन सा विटामिन हुआ, तो विटामिन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया है, चलिए अगर ये आपको क्लियर है तो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन आपको आ गया है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया आपको, क्वेश्चन पढ़िए 2021 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है बउआ, 2021 के बोर्ड एग्जाम वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा क्या आपको पूछा गया, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहा गया है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, दिस सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज, बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, लोअर करता है ना, एक ऐसा पदार्थ जो शरीर के ताप को, एक ऐसा पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को घटाता है ना, उसको ज्वारनाशी कहते हैं, पीड़ाहारी कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बता देना, शरीर के तापमान को कम करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग सुने होंगे ज्वार बड़ सुना है सब लोग, हुआ था हाँ ज्वार, सब लोग सुना, ज्वार मतलब होता है बुखार, ज्वार नासी कहे के मतलब बुखार को कम कर देगा, बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा, घटा देगा, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, ज्वार नासी हो जाएगा, एंटीपायरेटिक जिसको कहते हैं ज्वार नासी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज्वार नासी। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2021 में पूछा था, वो वैसा पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसको क्या बोलते हैं, तो ज्वार नासी बोलते हैं, क्या हम लोग बोलेंगे बुआ, ज्वारनाशी इसको कहा जाएगा, एक ऐसा पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है उसको ज्वारनाशी बोलते हैं है ना, ज्वारनाशी, सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर, शरीर के ताप को कम करता है, ज्वारनाशी। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं बुआ, इसका आंसर आ गया है ज्वारनाशी। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया ये लीजिए है ना, थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता, बताइए मानव शरीर जो है क्या उत्पन्न नहीं करता है, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता, द ह्यूमन बॉडी है ना डज नॉट प्रोड्यूस, ना क्या प्रोड्यूस नहीं करता, मानव शरीर क्या प्रोड्यूस नहीं करता है। ऑप्शन दिया एंजाइम, हजार तरीका के एंजाइम हम लोग को बॉडी में उत्पन्न होता है, डीएनए का नहीं बनता है शरीर में, बनता ही है, हार्मोन्स नहीं बनता, बनता है क्या नहीं बनता बुआ, विटामिन नहीं बनता है। देखो विटामिन होता क्या है, तो विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जिसकी कमी से हम लोग को रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, तो बी की कमी से बेरी, तो सी की कमी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, सुना है,
तो अगर हमनी के बॉडी मानव शरीर विटामिन उत्पन्न करता तो बताओ विटामिन घटता नहीं घटता? अगर विटामिन ना घटता तो हम लोग को कोई रोग होता नहीं होता, लेकिन हम लोग रोग ग्रसित होते हैं क्यों? विटामिन की कमी से। तो विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जेकर अगर घट गया ना बॉडी में तो समझिए रोग हो ही जाना है। अगर शरीर हम लोग को विटामिन बनाने लगता, प्रोड्यूस उत्पन्न करता शरीर, है ना, तगर उत्पन्न कर देता तो बाहर से खाए के जरूरत नहीं था, उसका कमी होवे नहीं करता, रोग हम लोग को होवे नहीं करता। तो ध्यान रखना कि मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है, तो विटामिन उत्पन्न नहीं करता मानव शरीर जो है, वह विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। मानव शरीर विटामिन नहीं बनाता है, विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। कंप्लीट हो गया है, मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है बुआ? तो विटामिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए। अभी तक 2021 वाला क्वेश्चन चल रहा है, बड़ी सारा क्वेश्चन पूछता है इसे 2021 में, देखो कितना सारा क्वेश्चन आ गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन वाला है, इसमें कौन जो है कृत्रिम, कहा गया बुआ कि कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट कौन रहेगा? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता मतलब जिसे आप भोजन खाते हैं आपको लगे कि नहीं मीठा लगना चाहिए हमारे भोजन में, नहीं रहता बाहर से कुछ डाल देते हैं ना, तो उसी तरह से कृत्रिम तरीका से जो भोजन को मीठा कर देता है वो पदार्थ कौन कौन है? सैक्रीन है, अस्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट है, इनमें से सभी जल्दी से बता दीजिए। आपको दो नंबर वाला भी सेम क्वेश्चन करवाया है, सैक्रीन है, अस्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट और इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी आपको दिया गया हुआ सैक्रीन है, अस्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट दिया है और इनमें से सभी, सबके सब आपका है ना कृत्रिम मीठा भी करता होता है, सबके सब आपको आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट होता है, सबके सब आपका क्या रहेगा बुआ? दीज ऑल्स आर आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट। सबके सब कौन कौन हो गया? सैक्रीन, एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लोमेट, देता है कि दो को कृत्रिम मीठा भी करता के नाम लिखिए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सैक्रीन है, एस्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट है। दो नंबर वाला क्वेश्चन करवाए थे तो दो तीन बार क्वेश्चन पूछा है कि दो को कृत्रिम मीठा भी करता के नाम लिखिए, दो को स्वीटिंग एजेंट का, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट का नाम लिखिए, तो आपको इसमें से लिखना पड़ जाएगा। क्लियर हो गया सब लोगों को बुआ? क्लियर हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, सबके सब एक आंसर हो जाएगा। 2021 बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। देखो बुआ, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और दोस्तों के साथ पूरा भर भर के जितना ग्रुप जितना व्हाट्सएप क्या क्या होता है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, सब पर इसको शेयर कर देगा सब लोग। ये जिम्मेवारी तुम लोग के पास है कि इसको शेयर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चल रहे हैं। कहाँ गया अगला क्वेश्चन, आ जाइए। लेता नहीं कहेगा, शेयर नहीं करे हो तो एबो नहीं करेगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? चलिए आ जाइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, है ना, नेचुरल पॉलीमर कौन होता है, प्राकृतिक बहुलक कौन है, प्राकृतिक बहुलक के बारे में बताना है। चलिए, कहा गया कि प्रोटीन है, नायलोन 6 है, नायलोन एस, बुना एस है, टेरिलीन है, तो कौन इसमें प्राकृतिक है जो आपको बताना है बुआ? फिर से प्रोटीन है आपका, प्रोटीन होगा, नायलोन 6 हो जाएगा, बुना एस हो जाएगा, टेरिलीन हो जाएगा। 2021 के बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन आपको है। यहाँ हम लोग कर क्या रहे बुआ, तो 2009 से लेकर 2022 तक में जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना बोर्ड एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है बायोकेमिस्ट्री से, वो टोटल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो आपको बता देना है कि बुआ कि इसमें से कौन जो है आपका ना प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक कौन सा आपका रहेगा। 2021 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है बुआ, 2021 में पूछा था, 2021 में आपको पूछा गया था क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए कौन सा इसका आंसर रहेगा। प्रोटीन, ऑब्वियसली इसका आंसर प्रोटीन होना चाहिए बुआ, इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोटीन, क्योंकि नायलोन जो ये सब होता है, हमने टेरिलीन सब हमने अपने घर पर बनाते हैं, प्राकृतिक नहीं है। जो आपका बुआ प्रोटीन होता है ना, वो अल्फा एमिनो एसिड से बनता है, प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड से बनता है। बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है, और अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है प्रकृति में पाया जाता है, आप लोग एमिनो अम्ल पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, आइए प्रोटीन आपका आंसर हो जाएगा बुआ, ए इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, कहाँ है ये आपका अगला क्वेश्चन, मां आ जाइए कहाँ है जी, आइए, शेयर नहीं कर रहे हो, आवे में देर हो रहा है बुआ, शेयर करते रहो, शेयर करते जाएगा सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, ए है आपका। चलिए क्वेश्चन में कहा क्या गया जी, पहले देख लो, है ना, विटामिन ए कहलाता है, विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आपको 2021 में, देखिए 2021 का ही अभी तक क्वेश्चन चल रहा, अभी तक सब 2021 का क्वेश्चन है, कितना सारा क्वेश्चन पूछता है। कहा गया विटामिन ए कहलाता है, क्या कहते हैं,
एस्कॉर्बिक एसिड नहीं तो विटामिन सी था, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिला था। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं ना, एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी था, है ना। विटामिन ए को क्या कहते हैं, तो जो रेटिनॉल होता है यही वो आपका विटामिन ए हो जाता है। रेटिनॉल जो है ये आपका विटामिन ए, विटामिन ए को हम लोग वैज्ञानिक तौर पर क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम के तौर पर क्या बोलते हैं, रेटिनॉल कहते हैं या रेटिनॉल कहते हैं, इसका नाम क्या देंगे, रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन ए क्या हो जाता है, रेटिनॉल। अच्छा, एक कैल्सिफिरॉल, एक टोकोफेरॉल भी दिया, देख लीजिए तो यहाँ कैल्सिफेरॉल और टोकोफेरॉल भी दिया है। तो कैल्सिफेरॉल जो होता है ना बुआ, ये विटामिन डी नहीं होता है, विटामिन डी थ्री होता है। विटामिन डी थ्री को हम लोग कैल्सिफेरॉल कहते हैं, ध्यान रखना आपको। विटामिन जो आपको डी थ्री होता है ना, इसको कैल्सिफेरॉल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई को कहते हैं, विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। 2021 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, कहा गया है विटामिन ए कहलाता है, बताइए विटामिन ए क्या कहला, मतलब आपको क्या कहलाएगा, तो रेटिनॉल कहेंगे। रेटिनॉल जो होता है यही आपका विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए कहलाता है तो सीधे तौर पर रेटिनॉल, क्या कहलाएगा, रेटिनॉल। विटामिन सी को क्या कहते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। कैल्सिफेरॉल क्या होता है, तो विटामिन डी थ्री आपका कैल्सिफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल क्या होता है बुआ, तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल हम लोग कहते हैं। विटामिन ए के बारे में कहा था तो रेटिनॉल हो जाएगा। टोटल सबको लिख लेना है यहाँ पर स्क्रीनशॉट, कुछ लोगों का ना होता कि सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप हट जाइएगा, लो ना बुआ हटल है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया आपका, 2021 का ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर नहीं कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा बताइए, तो शेयर तो आपको करना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसको हम समझा रहे हैं चूंकि कई बार क्वेश्चन आपको दिया, देखिएगा कई बार क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, कई बार आपको मिलता है, जब क्वेश्चन आप बनाइए ना तो उसमें कई बार क्वेश्चन आपको देता है। चलो देख लो क्वेश्चन में क्या है, आ जाइए। यहां पर है, कहा गया ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है, मतलब कौन सा जो सब्सटेंस है भी जो बना V1 इज कैपेबल फॉर फॉर्मिंग ज्यूटर आयन, कहा गया कि कौन जो है कैपेबल है ज्यूटर आयन बनाने में। ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कौन करता है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कौन करता है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो जेकरा पास COOH NH2 दोनों रहता वही ज्यूटर आयन बनाता है। वो लो लिख दिए हैं एकदम रामबाण उपाय है, ध्यान देना। जिस भी यौगिक के पास COOH NH2 दोनों होता है उसको एमिनो अम्ल कहते हैं और यही ज्यूटर आयन का निर्माण करता है। आपको एमिनो अम्ल पढ़ाए हैं, जिसके पास COOH NH2 दोनों, ढूंढो के केरा पास COOH NH2 है, जेकरा पास भी रहेगा ना सबके सब ज्यूटर आयन का निर्माण करेगा, स्वाहा ही हो गया है। तब देख लीजिए इसमें कौन कौन है, एकरा में COOH NH2 है होगा पहला में, नहीं है सर जी नहीं होगा। एकरा में COOH तो है लेकिन NH2 नहीं है, ये भी नहीं होगा। एकरा में खाली NH2 है देख लो यहाँ पर, तो ये भी नहीं बनाएगा। और यहाँ देखिए COOH Na और NH2 इन्हें देखो, तो इन्हें देखो घेर दिए हैं, देख लो इधर COOH Na COOH Na है, NH2 Na है, तो Na और Na दोनों देखो तो मिला के COOH और NH2 आपको नहीं मिल रहा। 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा क्वेश्चन नहीं है, तो आपका आंसर बार डी नहीं हो जाएगा, बताइए तो क्या दिक्कत आपको है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बना सकते हो। तो जिस भी योगी के पास COOH NH2 दोनों रहेगा सबके सब ज्यूटर आयन का निर्माण करेगा, काम खत्म हो गया, ज्यूटर आयन का निर्माण करेगा। तो इसका आंसर बताइए COOH NH2 दोनों किस में है, आपको डी में है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया बुआ, डी हो गया है। कंप्लीट एकदम लिखते चलना, छोड़ो एक को नहीं बुआ। 2021 के बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन, 2021 के बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, और अभी इस क्लास से पहले आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा देवल गया है, एक पार्ट हो गया प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है, प्रायिकता में एक भाग आपको हम करवा दिए, उसको भी सबको देख लेना है। प्रायिकता चूंकि हम लोग शुरू किए हैं, तो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। कौन सा है आपका अगला क्वेश्चन, शेयर करो बउआ सब लोग, शेयर नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। चलिए, यहां आपको दिया वेकेलाइट, देखिए वेकेलाइट वा कह दिया है, वेकेलाइट है यहां पर, कहां गया आपका वेकेलाइट वा, ये है वेकेलाइट जो है वो, वेकेलाइट के बारे में कहा गया फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया से प्राप्त होता है, कहता है कि फिनोल एक है बुआ, फिनोल है ना, फिनोल ऐसे होता है, फिनोल, फिनोल को केकरा साथ ही अभिक्रिया करवावेंगे ना, तब वेकेलाइट का निर्माण हो जाएगा, वेकेलाइट आपका बन जाएगा। फिनोल किससे अभिक्रिया करता है और वेकेलाइट बनाता है, इंग्लिश में लिखा गया है वेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग इट विथ, किसके साथ इसको अभिक्रिया कराने से आपको प्राप्त होगा बुआ, कौन, फिनोल होगा। तो चलिए देख, सॉरी वेकेलाइट प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर जरा आपको समझना ये है इसमें बुआ, कि अगर आप वेकेलाइट बनाना चाहते हैं, हालांकि आपको दो नंबर में करवाए हैं कि वेकेलाइट किसका मोनोमर होता है,
बेकेलाइट का मोनोमर कौन कौन होता है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड दोनों मिल ही के तो बेकेलाइट बनाता है, तो एक तो फिनोल होता है दूसरा फॉर्मल्डिहाइड होता है। कहां दिया आपको फॉर्मल्डिहाइड, देख लो पहला में एसिटल डिहाइड दिया है, एसिटल दिया, फॉर्मल्डिहाइड दिया है और क्लोरोबेंजीन दिया है, तो जल्दी से बता दीजिए तो कौन सा है, कौन सा आपका आंसर बा हो जाएगा, जल्दी से बता दो बुआ, कौन सा आपका आंसर बा हो जाएगा, कौन सा आंसर बा हो जाएगा बताइए। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में मिलता है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड दो नंबर वाला मैं आपको करवाए हैं, दो नंबर वाला भी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, इसका लिंक है ना, दो नंबर वाला जो भी करवाए हैं इसमें बायोकेमिस्ट्री में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। तो कौन सा हुआ, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड जब दोनों मिलेगा तो बेकेलाइट का निर्माण करेगा, मतलब बेकेलाइट बनाने के लिए फिनोल चाहिए प्लस फॉर्मल्डिहाइड चाहिए। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर आपका फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, कहाँ गए जी, हाँ ए है, ओ ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ए है प्रमोशन, जिसको प्रमोशनवा कहते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जे वाला प्रमोशनवा है, तो थोड़ा सा सुन लीजिए, नहीं तो है ना कंप्यूटर महोदय थोड़ा रूस जाएंगे कि हमारे बारे में नहीं बोले हैं। या चलिए देखिए, पीसीएम एजुकेशन सेंटर है बुआ, लाइक करना है वीडियो वाके, शेयर करना है वीडियो को और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, नहीं और जितेश सर आपको पढ़ा रहे हैं ना, जितेश सर है, नंबर थोड़ा ध्यान रखना, जब यूट्यूब पर सर्च करो तो जे आई टी आई एस एच लिखना है, जे आई टी आई एस एच एस आई आर ए, और अगर टोटल वीडियो चाहिए ना तब कुछ मत करना, इसमें हैशटैग ऐसे लगा देना, हैशटैग लगाने के बाद ऐसे लिखो जे आई टी आई एस एच एस आई आर, ऐसे बिना स्पेस दिले कहीं कोई जगह मत छोड़ना, हैशटैग जितेश सर लिख देना, सारा वीडियो इस चैनल का आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए था अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो प्रमोशन वाला बात कर दिए हैं, सब्सक्राइब करने के लिए बोले हैं बुआ और लाइक कर देना। चलिए बातचीत हम लोग आज नहीं करने वाले हैं, आज कोई बातचीत नहीं, अगला दिन सबसे बात करेंगे, कल जब हम लोग मिलेंगे ना तो सबसे बात, आज कोई बातचीत किसी का नहीं। देखो हम मोबाइल में हाथों नहीं, हाथ में मतलब मोबाइल नहीं ले ले हैं, ये कह रहे हैं क्या, देखो नहीं कुछ देख नहीं रहे हैं, मतलब कोई कमेंट उमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। चलो जल्दी से देख लो, एंजाइम बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में ही पूछा, देखिए 2021 अभी तक हम 2021 के क्वेश्चन में है, अब गिन के देखना कितना सारा क्वेश्चन पूछता है, जे देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको छोड़ना चाहते हैं बताइए, कौन हिसाब से आप छोड़ना चाहते हैं इसको, ये कोई छोड़े वाला चैप्टर है बताइए। एंजाइम क्या होता है, व्हाट इज एन एंजाइम, कहता है एंजाइम क्या रहता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट आपको ऑप्शन दिया कि कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होता है, लिपिड कहा है, लिपिड, लिपिड मतलब वसा होता है, वसा तेलीय पदार्थ को लिपिड कहता है, प्रोटीन है इनमें से कोई नहीं, जो केमिस्ट्री पढ़ाती है क्या कहते हो, बायोलॉजी पढ़ा होगा ना, उस सब एकदम फटफट इसका जवाब देगा हुआ नहीं, तो देखिए इसमें क्या है, जो प्रोटीन होता है ना वो मैक्सिमम प्रोटीन एंजाइम होता है, प्रोटीन जो होता है मैक्सिमम सब एंजाइम जैसा बिहेव करता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा प्रोटीन। ध्यान रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम जो होता है ना मूल रूप से प्रोटीन ही होता है, तो जो मैक्सिमम प्रोटीन होता है सब एंजाइम जैसा कार्य करता है, तो है ना एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, दिमाग में सेट कर लो कि एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम क्या होता है लोग, प्रोटीन होता है, एंजाइम आपका क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा। क्लियर हो गया, एंजाइम आपका क्या रहेगा तो प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका कहाँ, अभी हम लोग 2021 के क्वेश्चन में चल रहे हैं बउवा लोग, 2021 वाला क्वेश्चन है, 2021 वाला और बच्चे हैं जी, तो आ जाइए जल्दी जल्दी, आइए 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 आइए, अरे अभी और हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए 2021 में तो पूछा ही है, 2022 में सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय सबको क्लास में इस बात के इसके बारे में देते रहते हैं। देखिए मैग्नीशियम कहा गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मतलब कौन सा, एमजी के बारे में कहा है, कहा गया निम्नलिखित में से किस में मैग्नीशियम है, केकरा में एमजी होता है, ये पूछता है, तो यहां ध्यान रखना दिया कौन कौन है, पहले पढ़ लीजिए, पहला कहा गया क्लोरोफिल में होता है जी, कि दूसरा हेमोग्लोबिन में होता है, कि कार्बोनिक एनहाइड्राइड में होता है, इसके बाद कहा विटामिन बी12 में होता है। 2021 के क्वेश्चन अभी है, देखिए कितना सारा क्वेश्चन पूछता है आपको 2021 में, तो बताइए एमजी जो होता है मैग्नीशियम ये किस में होता है, किसी को जानकारी है, हाँ बुआ क्लोरोफिल, क्या हो जाएगा क्लोरोफिल जो होता है ना, जो पेड़ पौधा जो है ना, पेड़ पौधा भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा है ना भोजन का निर्माण करता है, फूड फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ जो क्लोरोफिल प्रयोग होता है उसमें एमजी धातु होता है, एमजी धातु होता है, क्लोरोफिल में कौन धातु होता है, एमजी, एकदम दिमाग में सेट कर लो, क्लोरोफिल में कौन धातु होता है, एमजी। कहा जाए कि बताइए हेमोग्लोबिनमा में कौन चीज होता है, हुआ तो ये आयरन होता है, आयरन, ये भी दो नंबर में पूछा गया, आयरन होता है, हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, आयरन होता है, और यहाँ पर बताइए क्लोरोफिल में कौन रहता है, तो एमजी रहता है, या एमजी किस में होता है, तो क्लोरोफिल आपका आंसर इसमें आ जाएगा, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल लिख लेना है बउवा, क्लोरोफिल बउवा लोग सबको क्लोरोफिल लिख लेना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, कहाँ हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, कहाँ हैं, यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, आइए जल्दी से आइए, आप आइए या लीजिए, 2022 में अति 20 में पहुँचे हैं हम लोग जी, बड़ी तंग किए हैं कि चलो इधर कुछ इंग्लिश वाला क्वेश्चन है तो इंग्लिश से वाला काटे का प्रयास करते हैं, हम इंग्लिश में बोल देंगे कि कुछ कुछ ही है, ठीक है। चलो तुम लोग केवल इसको देख लो, हिंदी वाला को जरा देखो, तो हिंदी वाला के देखेगा, हिंदी वाला के देखो बुआ, हिंदी वाला क्वेश्चन मत देख लो, हिंदी वाला क्वेश्चन हम इंग्लिश पढ़ देंगे, टोटल में आधा कटा हुआ है। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, इसको कर दो तुम मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको करो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछने वाला है, पूछने वाला क्या, जितना क्वेश्चन इस वीडियो में दिए हैं सबके सब अति महत्वपूर्ण है, सब देखो बार बार रिपीट करेगा। 2021 छोड़े ना, अब 2020 हम लोग 20 पे पहुंचे हैं ना, 2021 हम लोग कर लिए, 20 पे पहुंचे, तो देखना कितना सारा रिपीटेड मिलेगा। कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, तो उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग को कम करता है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, या अभिक्रिया के वेग को घटाता और बढ़ाता, दोनों है ना, ये इनमें से कोई नहीं। कहा गया है कि रिटार्ड्स द रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, बोथ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों घटाता बढ़ाता दोनों, अन ऑफ दीज। तो ये बताना है कि उत्प्रेरक जो आपका होता है बुआ, कैटलिस्ट जो आपका होता है, क्या करता है, कि रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है कि घटाता है, कि बढ़ाता घटाता दोनों है, दोनों करता है काम, ये इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा, दोनों काम करता है, अभिक्रिया के दर को घटाता और बढ़ाता दोनों है बुआ, समय को घटाता बढ़ाता, अभिक्रिया के दर और रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगे टाइम दोनों को घटाता और बढ़ाता दोनों है, या समय को केवल बढ़ाता, ये कहिए कि समय को घटा देता है चाहे बढ़ा देता है, ऐसा कंडीशन होता है। तो यहाँ अभी जो दिया गया है इसके हिसाब से आप देख लेना, वेग को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, वेग को घटा भी सकता है बढ़ा है ना, इंक्रीज कर सकता है डिक्रीज कर सकता है। तो चलिए है ना, उत्प्रेरक क्या करता है, तो उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता है, लेकिन उसके दर को चाहे तो घटा देता है या बढ़ा देता है, दर को घटाता है या बढ़ाता है। चलो तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बउवा, ये तो आपको करवा दिए हैं, 2020 से हम लोग शुरू कर दिए हैं, 2020 आ गया है, आप शेयर नहीं कर रहे हो तो फिर आ जाएगा 2021 वाला फिर से आ जाएगा है ना, शेयर नहीं करोगे 2021 फिर से लिया बेंगे, शेयर करो जल्दी जल्दी सब लोग, पहले उसको शेयर कर देगा हुआ। चलिए 2020 का एक और क्वेश्चन आ गया है, एक और क्वेश्चन है 2020 का, क्या कहा गया कि COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, जो एमिनो अम्ल होता है ओकरा में तो एक वो COOH होता है, और दूसरा कौन सा ग्रुप होता है जो आपसे कहा गया एमिनो अम्ल, इन एडिशन टू COOH ग्रुप, ग्रुप एमिनो एसिड कंटेंस है ना, एमिनो एसिड कंटेंस क्या रखता है एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल में तो COOH होता है, लेकिन इसके अलावा और कौन होता है ये बता देना है। तो एमिनो अम्ल में कौन सा होता है बुआ, NH2, बड़ी बारी आपको बताए हैं, पीछे भी अभी बता रहे थे कि ये दोनों ग्रुप होता है, ये ज्विटर आयन का निर्माण करता है, और जिसमें दोनों ग्रुप रहता है उसको एमिनो अम्ल कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं, क्लियर है। तो COOH के अलावा NH2 ग्रुप भी रहेगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, एकदम सही है बुआ, बी आंसर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए, अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन 2020 का अगला क्वेश्चन आ जाइए जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कहाँ हैं ये लीजिए, हाँ COOH2 पढ़ो पहले जल्दी से, पढ़ना तो आप ही को है, वहाँ पर एग्जाम में भी आप ही को पढ़ना पड़ जाएगा, हम थोड़े जाएंगे पढ़ने के लिए। COOH2 कहा गया, ग्रुप को कहा जाता है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कहा गया एमिडो ग्रुप कहते हैं, एमिनो ग्रुप कहते हैं, इमिनो ग्रुप कहते हैं, कार्बाइल एमिन कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका नाम क्या देते हैं, नाम क्या देते हैं, नाम क्या देते हैं, आपने ओर से इसका कोई नाम जलेबी भाई नहीं लिख दिया कि सर नाम तो जलेबी भाई, ये नहीं कह देना है। COOH2 ग्रुप को कहा जाता है, क्या बोलते हैं बउवा, एमिडो ग्रुप कहते हैं, क्या बोलेंगे एमिडो, एकदम ध्यान रखो इसको एमिडो ग्रुप कहा जाता है, COOH2 दिया था ना, COOH2 इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिडो ग्रुप कहते हैं, ध्यान रखना है, याद रहेगा सब लोग को, एमिडो ग्रुप कहा जाता है, CO, दो तीन चार बार बोल लो ना याद हो जाएगा, इतना तो दिमाग है तुम लोग के पास, ये नहीं कि नहीं है, एग्जाम देना भी अभी है, नहीं तो एमिडो ग्रुप कहते हैं बउवा, एमिडो ग्रुप कहते हैं जी, एमिडो ग्रुप। आ जाइए अगला, कहाँ गए हैं, आइए 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 आइए, बस 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 बस, कहाँ भाग जा रहे हैं, यहीं महाराज, लेकिन नहीं शेयर कर एकदम भाग जाइएगा ना। चलिए 2020 के बाद आ जाते हैं 2019 पर, 2019 वाला क्वेश्चन आ गया है, लो बउवा 2019, बताइए जल्दी से, सुक्रोज का फॉर्मूला पूछ दिया है कि बताइए सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज, सुक्रोज चीनी वाला होता है ना फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, जल्दी से बता दो, चीनी जो सूत्र होता है वही इसका रहेगा, जल्दी से कमेंट कर दो, तो जल्दी से देख लो, कमेंट कर लो जल्दी से,
जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या होगा, हो जाएगा एक आंसरवा, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा इसका आंसरवा। बुआ आंसरवा बता दीजिए, सुक्रोज का क्या जाएगा, C12H22O11 कहीं दिया है, C12O है ना, H22 चिनिया के तो ही होता C12H22O11, C12H22 है ना, O11 C12H22O11 एकदम हिंदी में डायरेक्ट बोलने दीजिए महाराज, C12H22O11 नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा C12। सुक्रोज का सूत्र कहा था, फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। चलिए आपका हो गया इसका आंसर भी, अगला क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। कहाँ है आप, अगला क्वेश्चन 2019 का आ गया है, 2019 का और है जी, 2019 में और आ जाइए, और आ जाइए तो लंबा चौड़ा जैसा आ जाए, देख लीजिए का कह रहे हैं, का वो कहना कि छोटा करके दिखावल जाए, चलिए लीजिए छोटा दिखाइए जा बड़ा दिखाइए, लेकिन दिखाइए नहीं या आ जाइए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट ध्यान देना, पढ़ रहे क्वेश्चन को, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित तो होकर तीन से, कहाँ से, तीन से, तीन से लेकर दस मोनोसेक्राइड, हुआ दस गो, तीन से दस मोनोसेक्राइड इकाई प्रदान करता उसे कहते हैं, है ना। द कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड्स 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड, चलिए जल्दी से बताइए, तीन से दस बोला है कि तीन गो से दस गो मोनोसेक्राइड देगा, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम हम लोग क्या देंगे, बोला गया मोनोसेक्राइड कहेंगे, डाइसेक्राइड कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड कहेंगे, पॉलीसेक्राइड कहेंगे, जल्दी से बता दीजिए क्या रहेगा, तीन से दस वाला को क्या बोलते हैं, ये तो पढ़ाए हैं पूरा कार्बोहाइड्रेट में, एक बार पढ़ा दिए थे पांच नंबर वाला क्वेश्चन, डीएनए आरएनए में डिफरेंस पढ़ा दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिए हैं, अमीनो एसिड पढ़ा दिए हैं, दो दो नंबर वाला जितना था सब पढ़ा दिए इसमें पॉलीमर में, आपको इसका पॉलीमर अलग से भी पढ़ा दिए हैं, नहीं अब दो नंबर वाला भी करवा दिए हैं, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, पूरा आपको बायोकेमिस्ट्री खत्म कर दिए हैं, नहीं चलो तो एक बायोकेमिस्ट्री करके एक टोटल एक प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे, ओकरे में सभी डाल देंगे जितना सब देख लीजिएगा। चलिए तो तीन से दस तक कौन देता है, बुआ ओलिगोसेक्राइड बताए थे ना, मोनोसेक्राइड नहीं देता है बुआ, जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ओलिगोसेक्राइड तीन से दस, और दस से ज्यादा जो मोनोसेक्राइड देता है उसको पॉलीसेक्राइड आपको बोले थे, तो ओलिगोसेक्राइड जो होता है बुआ लोग, ओलिगोसेक्राइड जो आपका होता है, ओलिगोसेक्राइड वाला ये आपको तीन से दस गो, तीन से कितना, तीन से दस मोनोसेक्राइड आपको देता है, तीन से लेकर दस मोनोसेक्राइड देता है, कौन ओलिगोसेक्राइड, ध्यान रखना, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा ओलिगोसेक्राइड, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मां की ओर चलिए, 2019 का पूछल क्वेश्चन था, देखो 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आ जाइए, अगला क्वेश्चन कहां भागल जा रहे हैं जी, रुक जाइए जरा, लेकिन कैसे इससे की जगह तक कम चलेगा बताइए तो, चलो बोलो पकड़ के लाए, भागल जा रहा था कि तो देखिए तो है ना, हमें छोड़कर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, यह देखिए भागल जा रहा था, बना दो तो बउआ, क्या है पॉलीथीन एक बहुलक है, कौन सा पॉलीथीन इज ए पॉलीमर ऑफ, पॉलीथीन किसका, पॉलीथीन किसका पॉलीमर होता है, लिखवाए थे इथीन का पॉलीमर होता है ना, इथीन डबल बॉन्ड बना करता, देख लीजिए एथेन का, इथीन का, प्रोपीन का, इथाइन का, इथीन का होता है ऑब्वियसली, इथीन का होता है, आपका आंसर भी आ जाएगा इथीन वाला रहेगा बुआ, कौन सा इथीन है ना, पॉलीथीन जो है किसका पॉलीमर होता है, तो इथीन का पॉलीमर होता है, इथीन का CH2 डबल बॉन्ड वाला का CH2 डबल, ढेर सारा जब मिलेगा ना, ढेर सारा अगर मिलता है तब तो जाकर पॉली इथीन का निर्माण करता है, पॉलीथीन का निर्माण कर देता है, पॉलीथीन का निर्माण करता है, इथीन कई होता, इथेन का बहुलक होता है, तो आपका आंसर इसमें कौन आ गया, बी आपका आंसर हो जाएगा, नहीं और जो पॉलीथीन होता है बउआ ये आपका संयोजक होता है, मतलब योजक बहुलक होता है, केवल जुड़ा संघनन नहीं होता, केवल इसमें जुड़ता है बाहर कुछ निकलता नहीं है, तो आपका आंसर इसमें कौन आ जाएगा, है ना इथीन आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को चल लेते हैं, लीजिए अगला क्वेश्चन कहाँ है आज, आ जाइए 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, आ जाइए आ जाइए आ जाइए 2019 के बाद 2019, हाँ 2019 से अभी और है, 2019 का और क्वेश्चन है बउआ, 2019 का और क्वेश्चन कहाँ है ये लीजिए, बुना एस और बुना एन है ना, बुना एन तथा बुना एस, बुना एन एंड बुना एस आर जो रबर होता है हुआ, बुना एन रबर पढ़ा होगा, बुना एस रबर आप लोग पढ़े होंगे, तब बुना एन और बुना एस जो रबर होता है उसके बारे में कहा गया कि प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, कि सिंथेटिक होता है, संश्लेषित होता है, कि लेटेक्स होता है या पॉलीथीन होता है, क्या होता है बताइए, ये रबर होता है, पॉलीथीन तो हो भी नहीं करता, झूठो मूठो आपको दे दिया है। चलिए बुनाएस और बुनाइन, रबर जो प्राकृतिक रबर वो अलग रहता है, बुनाएस बुनाइन हम लोग बनाते हैं रबर है ना, उसको हम लोग ना बनाते हैं, बताए थे आप लोगों की जो प्राकृतिक रबर होता है ना बुआ, प्राकृतिक रबर बड़ी गिल्ला गिल्ला सा रहेगा, उसको कुछ कर नहीं सकते हो, चप्पल उस नहीं बना सकते, पैर में पता चले कि पूरा कोची बोले सटल है, जो प्राकृतिक रबर होता है, लेकिन उसको पहले कृत्रिम बनाते हैं हम लोग, तब बुना ये सब बुना इन करके उसको रबर बनाते हैं, ताकि उसको है ना चप्पल बना सके, तो कुछ और बना सके, टोपी बेल्ट ये सब हम लोग रबर के बना सके,
ध्यान रखना है कि जो बुनाई है सब बुनाई ने हम लोग बनाए हैं तो ये प्राकृतिक तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब संश्लेषित है। सिंथेटिक होता है, संश्लेषित होता है, मानव निर्मित होता है। सिंथेटिक होता है, संश्लेषित, या ये कहिए कि मानव निर्मित आपका होता है। तो ये लीजिए आपका आंसर, इसमें बी आ गया है। आंसरवा क्या हो जाएगा बुआ, आंसरवा जाएगा कौन सा, तो बी आपका आंसरवा जाएगा। बी आंसर इसमें आ जाएगा बुआ, बी आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। कहाँ है, आइए 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 आइए, 2019 अभी भी 2019 का क्वेश्चन चल रहा है। लीजिए 2019 में देखिए आ गया ना, फिर से सेम क्वेश्चन आपको बताए थे, ज्वार मतलब बुखार को कम करे लगी, बताइए तो नहीं बताए हैं। ज्वार मतलब बुखार को कम करना नहीं बताए थे कि ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा क्या, ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड, है ना, शरीर के ताप को कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए ज्वार मतलब कुछ होता है, ज्वार मतलब क्या होता है वो, बॉडी टेम्परेचर लिखा भी तो है, ड्रग्स यूज टू रिड्यूस फीवर, फीवर मतलब बुखार को कम करने के लिए, बताइए ज्वारनाशी, हाँ ज्वारनाशी एंटीपायरेटिक, और इसमें पढ़े कुछ जान ज्वारनाशी, सब झूठो मूठो इसे दे ले है, इसमें तो झूठो मूठो दे ले है। अरे ज्वारनाशी तो रहेगा जिसका 2019 में पूछा था क्वेश्चन, 2021 में भी आपको पूछा था क्वेश्चन, 2022 में भी सेम क्वेश्चन आप पूछा, देखिए जब 2022 को करवाएंगे तो उसमें भी आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सी आ जाएगा, ज्वारनाशी हो जाएगा। ये ज्वारनाशी ना रहता है, ज्वार मतलब बुखार है, उसको नाश करे वाला, उसको खत्म करे वाला, रिड्यूस करे वाला, द सबस्टांस विच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर, या ये कहिए ड्रग्स यूज टू रिड्यूस फीवर, बुखार को कम करने के लिए रिड्यूस करता फीवर को, है ना, ज्वार को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ बता दीजिए, आपका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है बुआ, एकदम कंप्लीट है। चलिए इस समय कोई दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए, फटफट सबके जवाब देना है बुआ। चलिए आ जाइए, कहाँ भागल जा रहे हैं, हाँ पेट में आधी कमल हो गया, दिमाग लगा के जरा आंसर देख लीजिए, पहले दिमाग लगाइए, देखिए कि क्या इसका आंसर हुआ, लगाओ तो जरा दिमाग लगाओ, उतना तो है तुम लोग के पास बुआ, है ना। कहा गया कि पेट के अधिक अम्ल में अधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है, अम्लवा को रोक सकते हैं, अम्लवा जो ढेर मेरी पेट में ना बने ना, रोक सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टोमक कैन बी कंट्रोल्ड बाई, कौन कंट्रोल करेगा, ज्यादा अम्ल ना बने पेट में उसको कौन कंट्रोल करेगा, कहा गया कि प्रत्याम्ल करेगा, एंटी एसिड हो गया, एसिड मतलब बने या एंटी एसिड मतलब जस्ट उसको रोके, नहीं बनना नहीं है तुमको, बने नहीं देंगे, एंटी एसिड हम उसको रोक ले है, नहीं था कौन सा आपका एंटी एसिड होगा, जिसको हिंदी में लिखा गया प्रत्याम्ल, इसको कहते हैं प्रत्याम्ल, जैसा है प्रत्याम्ल वाला कंडीशन है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, जो बॉडी में पेट में अधिक अम्ल नहीं बनने देगा, उसको बनने से रोकेगा बुआ, तो आपका क्या रहेगा, प्रत्याम्ल ही तो रहेगा। ऐसे पीड़ाहारी कहा कि बताइए अम्लवा को रोके वाला पीड़ाहारी रहेगा, नहीं जी महाराज पीड़ाहारी रहेगा, तो दिमाग में दिमाग दर्द कर ले तो वहाँ दवाई खा लेते हैं हम लोग, पीड़ाहारी। ज्वारनाशी, ज्वारनाशी तो तापमान को कम करता है, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक की अलग चीज़ें हैं, सब चीज में जो काम देता है पैरासिटामोल, सब चीज में पीसीएम जिसको कहते हैं पारा, सब चीज में काम देगा पीसीएम पैरासिटामोल, ऐसा वाला कंडीशन है। तो बताइए अधिक अम्ल को पेट में कम करना, तो उसको प्रत्याम्ले का तो हम लोग प्रयोग करेंगे, एंटी एसिड का प्रयोग करेंगे, नहीं कंप्लीट है बुआ, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो चलिए तुम एक बात कंप्लीट नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो, शेयर करो पूरा सब दोस्तों के साथ, लीजिए कुछ यहाँ ही कहें कि ना किसे शेयर कीजिए, कीजिए ना तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ये कह रहे हैं छोड़ दीजिए सर जी, ऐसे ही रह दीजिए, अपन देखते रहे। लेकिन यह देखिए है पीसीएम एजुकेशन सेंटर है, एजुकेशन सेंटर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हम यहाँ पर हैं बुआ जो पढ़ा रहे हैं, जितेश सर आपके, नहीं जितेश सर का देख लो थोड़ा सा स्पेलिंग, वो तुम लोगों को तो नहीं आता है ना, जी आई टी आई एस एच एस आई आर ए, यूट्यूब पर सर्च करोगे आ जाएगा, या इस चैनल से रिलेटेड जो भी आपको वीडियो चाहिए ना तो उसमें लगाओ हैशटैग और लगा दो जे आई टी आई एस एच एस आई आर, है ना, जे आई टी ई मत जितेश मत लिख देना, फिर वहाँ पर एवे नहीं करेगा, जे आई टी आई एस एच है ना एस आई आर कर देना हैशटैग लगा के यूट्यूब पर, तो जितना भी वीडियो है ना सबके सब इस चैनल में आपको मिल जाएगा। चलिए ये तो हुआ प्रमोशनमा, जो बड़ी जरूरी है, तुम लोग कर नहीं पा रहे हो, सब्सक्राइबर तो बढ़ा नहीं रहे हो, तो ये करना है तुम ही लोग के काम है वो। अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये लीजिए बड़ी लंबा चौड़ा जैसा आ गया, लीजिए जरा पढ़िए पहले, अभी क्वेश्चन में आया था 2017 में आ गए हम लोग बुआ, 2017 वाला है ना, उस समय क्वेश्चन कुछ नहीं दिया था, तो जौन साल क्वेश्चन नहीं दिया ना उस साल पूरा भर भर के दो दो नंबर वाला क्वेश्चन दिया था, पांच पांच नंबर वाला क्वेश्चन दे दिया था, तो ऑब्जेक्टिव जौन सर नहीं पूछा था। तो ये क्वेश्चन आपका 2017 का है, पहले एक बार पढ़ लो बाद में हम पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अभी आपको हम करवाए हैं, पीछे इस क्वेश्चन को हम करवा दिए हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सब लोग पढ़ लेगा, क्वेश्चन पढ़ो। कहा गया उत्प्रेरक वह वस्तु है, कहा गया है कि उत्प्रेरक उबला चीज वह है, उबला वस्तु वह है,
उत्प्रेरक वह वस्तु है, कैटलिस्ट लीजिए स्वेस्टांस भीच, कहा गया उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रता को बढ़ाता है, इनक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कहा गया है कि प्रतिक्रिया के साम्य स्थिरांक को परिवर्तित करता है, चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये कहा गया है साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है और अभिक्रिया को ऊर्जा प्रदान करता है, अभिक्रिया को ऊर्जा देता है। देखिए एक तो उत्प्रेरक करता है, एक चीज आपको समझाए थे कि उत्प्रेरक उबला वस्तु होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को चाहे तो बढ़ाता है चाहे तो घटाता है। ये वाला चीज आपको डिस्कस किए थे कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग जो होता है वह जो दर उसका होता है उस दर को घटाता या बढ़ाता है। दूसरा चीज समय को भी कम करता है, वह साम्यावस्था प्राप्त करने के टाइम को भी कम कर देता है। अगर देखिए टाइम को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर केवल समय को कम करने वाला दिया है, कहीं समय को, यहाँ देखो समय को कम करता है और कहीं समय को कम वाला नहीं दिया है, क्योंकि अभिक्रिया जैसी फास्ट होगा ना, एकदम तेज होगा ना, तो कम ही समय में हो जाएगा पूरा, ठीक है। अभिक्रिया को अगर स्लो करता है तो ज्यादा समय लगेगा, तो समय को चाहे तो बढ़ावेगा चाहे तो घटावेगा, तो इसमें केवल कम करे वाला ऑप्शन में दिया है, तो आपका इसी ही आंसर हो जाएगा। जो जो है ना उत्प्रेरक साम्यावस्था वाला जो टाइम होता है बउआ, जो समय होता है ना, उस समय के को बउआ लोग कम कर देता है, टाइम को वहां पर कम कर देता है, समय को घटा देता है, तो समय साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा बउआ, आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, कंप्लीट आंसर को सी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आ जाओ सजन, आ जाओ, ये लीजिए आ गया, सजन नहीं कहना तो औरती है ना, बोलेगी नहीं सजनी बोलना है हमने, लीजिए बउआ यह है सजनी। अब बताओ दे, हो बताइए क्या कहा गया है, एनिलीन, एनिलीन जैसा कहना चाह रहा है ना, एनिलीन, एनिलीन ही लिखा, एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एनिलीन इन रिएक्ट्स विद एसिटाल्डिहाइड टू फॉर्म, एनिलीन अगर एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करता है ना बउआ, तो क्या बनाता है, ये कहा गया है एनिलीन अगर एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाएगा, जी आपको कहा गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा है, एक दो नंबर वाला बड़ी बार पूछता है कि बताइए शिप्स बेस क्या होता है, तो ये कहते हैं कि एनिलीन एसिटाल्डिहाइड से अभिक्रिया कर जिस कंपाउंड का निर्माण करता है उसको शिप्स बेस कहते हैं, आपका आंसर आ जाएगा इसमें डी, 2017 का पूछा गया, शिप्स बेस होता है बउआ, दो नंबर बार बार रिपीट करता है, 2017 में इसे पूछा गया था ऑब्जेक्टिव के तौर पर, शिप्स बेस हो जाएगा, क्या रहेगा, शिप्स लिखा गया, शिप्स बेस रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एनिलीन जो है एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करके एसिड्स बेस का निर्माण कर देगा, एसिड्स बेस का निर्माण कर देगा, याद रहेगा सबको, है ना, एनिलीन यहाँ पर देख लो, हम बड़ा करके इसको दिखा देते हैं आप लोगों को, बड़ा करके दिखा देते हैं बउआ, एसिड्स बेस का 2017 का क्वेश्चन है, लो यहाँ पर है आपका एसिड्स बेस वाला, देख लो ये है यहाँ पर, देख लो पहले एसिड्स बेस को, ये है यहाँ एसिड्स बेस बउआ, एसिड्स बेस इसको हम बड़ा करके दिखा दिए हैं, ये एसिड्स बेस का निर्माण करता है, एसिड्स बेस का निर्माण करता है एनिलीन एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करके, यहाँ देख लीजिए आप आंसर इसका लिख लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, 2017 के बाद पहले छोटा कर देते हैं और 2017 के बाद आइए, 2016 वाला क्वेश्चन आ जाओ, 2017 वाला भी और है, अरे कि नहीं महाराज अभी और, वंस मोर पे आ जाइए, एक और निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन होता है, लीजिए एकदम बड़ी महत्वपूर्ण वाला में से होगा, सबसे मीठा शुगर कौन होता है, सबसे मीठा चाहिए आपको, सबसे मीठा वाला शुगर, इसको कमेंट कर सकते हो बउआ, कमेंट देख ले सबके, कमेंट कर सकते हो, पहले कमेंट करो तो जरा, क्या रहेगा सबसे मीठा वाला शुगर कौन रहेगा, सबसे मीठा शुगर है ना, सुक्रोस है ना, ग्लूकोस नहीं रहेगा सबसे मीठा शुगर, और जिनका सुक्रोस आ रहा है वो भी गलत हो, सुक्रोस भी नहीं रहेगा, सबसे मीठा शुगर आपका फ्रुक्टोस होता है, फ्रुक्टोस जो होता है बउआ सबसे मीठा शुगर होता है, फ्रुक्टोस आपका मीठा, सबसे मीठा शुगर में कौन होता है, फ्रुक्टोस सबसे मीठा शुगर होता है, 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, फ्रुक्टोस इज ए स्वीटेस्ट है ना शुगर, स्वीटेस्ट शुगर होता है फ्रुक्टोस आपका, क्लियर रहेगा, सुक्रोसवा से लगभग 1.7 गुना ज़्यादा मीठा रहता है, सुक्रोस से मीठा ज़्यादा रहता है, और ग्लूकोज जो है 0.7 गुना ज़्यादा मीठा रहता है सुक्रोस से, तो आपको ध्यान ये रखना, केवल इतना ध्यान रखो, इतना सारा डाटा क्या टीचर बनना है आपको, अभी एग्जाम पास कर जाना है, फ्रुक्टोस सबसे मीठा शुगर होता है, ठीक है, फ्रुक्टोस आपका सबसे मीठा शुगर होता है।
लीजिए आ जाते हैं अगला 17 के बाद आइए 18 आ जाइए है ना 16 जब हुआ अभी और 17 वंस मोर लीजिए एंजाइम देखिए फिर रिपीटेड आ गया। देखो तो एंजाइम अभी बताए थे कि मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन होता है, नहीं बताए थे अधिकतम एंजाइम कोची होता है प्रोटीन होता है। पीछे ही आपको क्वेश्चन करवाए हैं कि अधिकतम एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन दिमाग में सेट कर लो, इसको दिमाग में आप सेट कह नहीं कर रहे हैं कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन रहेगा। एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन ही तो होता है ना, प्रोटीन ही तो आपका एंजाइम होता है। और बउआ इस क्लास से पहले आपको हम पढ़ा दिए हैं कोची, तब प्रोबेबिलिटी जो है बुआ ना प्रोबेबिलिटी का पार्ट वन आपको हम बता दिए पूरे एकदम आराम से बताएं, एकदम आराम से बताएं, आराम से देखिए आराम से उसको लिखिए पढ़िए। लगभग 45 मिनट के आसपास का वीडियो आराम से पहला पार्ट करवा दिए, सेकेंड पार्ट करवाएंगे, थर्ड पार्ट है ना ये सब करवाने वाले हैं। चलो तो क्लियर हो गया बुआ एंजाइम क्या है, तब हार्टीजन एंजाइम तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोटीन है ना, क्या रहेगा अधिकतम एंजाइम प्रोटीन ही आपका होता है, तब प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। चलो रिपीटेड क्वेश्चन है पीछे आया था, आ जाइए हाँ ये लीजिए एकदम महत्वपूर्ण 2017 लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण होगा 17 में, ये आप मत समझिए कि 2017 का क्वेश्चन है, ये कई बार और पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए है ना, नेचुरल जो रबर होता है प्राकृतिक रबर होता है एक किसका बहुलक है, प्राकृतिक कौन वाला ढेर मनी मिल के आपको प्राकृतिक बहुलक का निर्माण करेगा। एस्टायरीन दिया है, आइसोप्रीन दिया है, क्लोरोप्रीन दिया है, ब्यूटाडाइन दिया है। डाइनी वाला का मत लिखना बुआ, डाइनी वाला ना, डाइनी वाला तो लिखना ही नहीं है, ब्यूटाडाइन नहीं, डाइनी को छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर में बता दीजिए कौन सा रहेगा, नेचुरल रबर कौन ढेर मनी आपस में मिलेगा ऐसे करके ढेर सारा आपस में मिलके, और ढेर सारा मिलते 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 एक बार नेचुरल प्राकृतिक रबर का निर्माण कर देगा। कौन है ये, कौन है ये, कौन है बउआ जो यहाँ पर मिलके इसका निर्माण किया है, कौन है जो मिलके निर्माण किया है। चलिए आइसोप्रीन आप लोगों को बताए थे, आइसो 2 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको हम करवा दिए हैं, या पॉलीमर जहाँ पढ़ाए ना वहाँ पर गए थे, सबसे पहले यही आपको लिखवाया था आइसोप्रीन वाला लिखवाया था आई थिंक, कि आइसोप्रीन ढेर सारा जो है ना आइसोप्रीन आपस से मिलके प्राकृतिक रबर का निर्माण करता है, या प्राकृतिक रबर जो होता है नेचुरल जो रबर होता है आपका ये किसका है ना, इसका मोनोमर कौन है, तो इसका मोनोमर आपका होता है आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर के लिए। ध्यान रखना आइसोप्रीनमा के लिए एक और चीज पूछता है, इसको कहता है कि क्या है, एक इसका क्रियाशीलता ग्रुप है तो आइसोप्रीन का होता है बुआ, आइसोप्रीन का हो जाएगा। इधर तो कार्बन रहेगा इधर उधर तो उसको हम लोग करते हैं, लेकिन ऐसे इसको ध्यान रखना आइसोप्रीन ही है। आपको पूछा कि आइसोप्रीन निम्नलिखित में से कौन है, ऐसे आपको दिया रहता है कि दिया है आपको ये, नहीं कि नहीं दिया, दिया है सेम चीज आपको दिया है, एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान रहेगा ये आपका आइसोप्रीन। वहां भी आपको समझाए थे, 2 नंबर पढ़ा रहे थे ना उस समय भी आपको समझाए थे, और जो पॉलीमर पढ़ा है उसमें भी आपको समझाया है कि ना यहाँ पर देख लो आइसोप्रीनमा जो होता है वह आइसोप्रीन ढेर सारा मिलकर नेचुरल रबर का निर्माण करता है। क्लियर हो गया, तो नेचुरल रबर जो होता है प्राकृतिक रबर का मोनोमर कौन होता है, तो आइसोप्रीन होता है, या प्राकृतिक नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का होता है। चलो आइसोप्रीन नेचुरल रबर, बस इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्यों आ जाइए टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले प्रतिजैविक बुआ, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाले प्रतिजैविक के बारे में कहा कि कौन सा प्रतिजैविक है जिसका प्रयोग करते हैं टाइफाइड में, टाइफाइड के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, टाइफाइड के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक, यहाँ देख लो लिखा है एंटीबायोटिक, किस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं टाइफाइड के इलाज में, पेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं, क्लोरामफेनिकोल का प्रयोग करते हैं, टेरामाइसिन का प्रयोग करते हैं, सल्फाडाइजिन का प्रयोग करते हैं। जल्दी से बता दीजिए कौन है टेरामाइसिन, सल्फाडाइजिन और एक क्लोरामफेनिकोल, चलिए जल्दी से बताइए क्या रहेगा, क्या रहेगा बउआ लोग, क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा जी, क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्लोरामफेनिकोल, क्या रहेगा क्लोरामफेनिकोल, चलिए आपका आंसर हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल। ध्यान रखना टाइफाइड अगर कोई को हो गया तो क्लोरामफेनिकोल दे दीजिए, ठीक होगा डॉक्टर साहब यही करते हैं, क्लोरामफेनिकोल का प्रयोग कर देते हैं, तो क्लोरामफेनिकोल रहेगा, क्या रहेगा वो क्लोरामफेनिकोल। अब क्लोरामफेनिकोल होता कौन चाहिए, तो एक एंटीबायोटिक होता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिया है बउआ 2000 का पूछा 17 में, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया कि बताइए क्लोरामफेनिकोल क्या होता है, तो एंटीबायोटिक होता है, क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक होता है, क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक होता है, एकदम ध्यान रखो। और क्लोरामफेनिकोल का जो हम लोग प्रयोग करते हैं बउआ कोची में टाइफाइड, टाइफाइड वाला में, टाइफाइड अगर किसी को हो गया ना टाइफाइड होला भाजी तल्ला क्लोरामफेनिकोल वाले ला ये हो जाता है, ध्यान रहेगा। तो चलिए इसका आंसर आ जाएगा क्लोरामफेनिकोल, और क्लोरामफेनिकोल वा होता कौन चाहिए बउआ, तो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन में आ जाइए 2017 के बाद आइए, कहाँ गए जी, कहाँ गए, हाँ सीएनजी, सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, बताइए सीएनजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, 2011 का क्वेश्चन है, 2011 और ए है क्वेश्चन माँ सीएनजी। चलिए बलमुआ चलावे सीएनजी वाला गड़िया,
चलिए जल्दी से बताइए, सीएनजी का मुख्य घटक कौन होता? सीएनजी में कोची होता, मीथेन होता, कोची होता वो मीथेन होता। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल, कंप्रेस करके नेचुरल गैस को रखा जाता है, कंप्रेस्ड मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। तो मेथेन आपका आंसर आ जाएगा, वो मेथेन आपका आंसर हो जाएगा। 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2011। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कहाँ गए जी। हाँ, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? फिर क्वेश्चन आ गया, व्हिच वन इज कैपेबल फॉर्मिंग ज्यूटर आयन। सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा था, 2011 में पूछा गया, देख लीजिए, देख लो, नहीं 2011 में पूछा था, फिर 2021 में भी पूछा है, ये हम कह रहे हैं कौन ज्यूपिटर आयन बनाने में समर्थ है। तब बताए तो थे कि जेकरा पास सी डबल ओ एच रहेगा, इन टू सेम क्वेश्चन में कुछो चीज नहीं किया, एकरा में सी डबल ओ एच एनएस टू है, नहीं है, एकरा में सी डबल ओ एच है, हाँ है, लेकिन एनएस टू नहीं दिया है, एकरा में एनएस टू दिया है लेकिन सी डबल ओ एच नहीं दिया है, एकरा में सी डबल ओ एच एन ए एनएस टू ओन ने, तो वो एन ए है, वो ओन ए है, मतलब हो गया आपका ज्यूपिटर आयन, ज्यूपिटर आयन का निर्माण करेगा। तो कौन सा निर्माण किया है? डी, जेकरा पास सी डबल, जो अभी अभी ऐड हुए हो, जो लास्ट बाद में ऐड हुआ हुआ, वो ध्यान रखना, ज्यूपिटर आयन वो बनाता है जेकरा में सी डबल ओ एच और एन एच टू दोनों होता है, जेकरा में सी डबल ओ एच एन एच टू दोनों होता है, वही जाके ज्यूपिटर आयन का निर्माण करेगा, है ना, ज्यूपिटर आयन बनाएगा। जेकरा में सी डबल ओ एच एन एच टू दोनों रहता है उसको बोलते हैं एमिनो अम्ल, क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल उसको कहते हैं, एमिनो एसिड कहते हैं। तो सी डबल ओ एच एन एच टू दोनों है, तो एकरा एकरे में तो है, एन ए देख ला ना, सी डबल ओ एच हवा, एन ए देख ला, एन एच टू हवा, दोनों है, ज्यूपिटर आयन आपका बन जाएगा, क्या आपको परेशानी है? तो ज्यूपिटर आयन कौन बनाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सी डबल ओ एच एन एच टू दोनों है, 2011 का पूछल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, लीजिए अगला कहाँ गए जी, अगला कहाँ गए जी, कहाँ गए, हाँ 2011 में एक और, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है ना, वाह, कि एक बार अगर यूज कर दिए तो दोबारा भी उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, रिसाइकल जैसा, या ये कहिए ना कि नहीं, बायोडिग्रेडेबल मतलब यूज नहीं होता है, उसको जला उला के नया चीज हम लोग बना सकते हैं या जला सकते हैं, ऐसा कंडीशन है। जैसे पोलिथीन को आप जला सकते हैं? नहीं, उसको कर ही नहीं सकते, बायोडिग्रेडेबल कभी हो भी नहीं करेगा, तो पोलिथीन तो हो ही नहीं पाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी नहीं रहेगा, नाइलोनमा कौन ही कर सकते हैं, नाइलोन पोलिथीन सब सेम ही कैटेगरी को होता है, तो ये सब नहीं रहेगा। इसका आंसर आपका सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, क्या रहेगा? सेलुलोज, बायोडिग्रेडेबल में सेलुलोज आता है, बायोडिग्रेडेबल में कौन आता है बोलो? सेलुलोज आता है, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल सेलुलोज, बायोडिग्रेडेबल सेलुलोज रहेगा, बायोडिग्रेडेबल में कौन रहेगा? वो सेलुलोज रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा सेलुलोज, कौन सा आ गया? ए, आपका आंसर आ जाएगा ए वाला, ए आंसर, कौन सा? 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में क्वेश्चन है, वो क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यों आ जाते हैं, कहाँ गए, चलावे रेलगड़िया, चलिए यहाँ पर आ जाए, ग्लूकोज पिला के, ग्लूकोज देख लीजिए बुआ, ग्लूकोज, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या बताइए, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या बता दीजिए, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या, ग्लूकोज में कितना कायरल कार्बन होता है? बार बार देता है क्वेश्चन में बुआ, ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज, 2010 में इसे पूछा था और एक आंसर हो जाएगा चार, ग्लूकोज में चार गो है ना, गिन लो, लो गिनो, एक दो तीन चार, देख लो फिर से, एक दो तीन चार, ग्लूकोज चार गो लिख रहे हैं ना, एक दो तीन चार, मिल रहा, ग्लूकोज में चारों कार्बन कार्बन, यह ट्रिक से बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज में कार्बन कार्बन की संख्या चार, कब? 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, या अगला क्वेश्चन नहीं है बउआ, तो प्रमोशन अगलवा है, तेरा देख लो ना, पीसीएम एजुकेशन सेंटर, नहीं नहीं कहीं से मोबाइल नंबर वा नहीं दिए हैं तो ले लीजिए ना जी, हम अपन नंबर दे देते हैं, एक पर फोन करना, एक और नंबर हो रहा पर कोई, लेकिन जो जान गया जो फोन नहीं करेगा वो पत्नी के नंबर है, हमारा नंबर यह है 91 10 98 81 46, हिंदी बोल दिए सर, हाँ हिंदी बोलना, बिहार के आदमी ना है तो हिंदी बोलना है, 9110 9884 6 आपका ये नंबर है, 91 10 98 81 46 है ना, जो दिक्कत रहता है इस पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फोन कीजिए, वो भी चीज़ आपको पूछना है, दिक्कत हो रहा तब। चलिए अगला आगे चलते हैं, और यह है जी तीसरा जी, देख लीजिए जो पढ़ा रहे हैं यही है, देख लीजिए हाँ हाँ, तो इसको आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो कहाँ लिखेंगे, हैशटैग लगा देंगे, कहाँ बुआ? JITISHSIR, कहीं स्पेस जगह नहीं छोड़ना है, हैशटैग लगा दीजिएगा, इस चैनल से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा सब्सक्राइब ना शेयर करेगा बुआ, शेयर नहीं करते मज़ा नहीं आता पढ़ावे में, शेयर नहीं करते मज़े नहीं आता पढ़ावे में, मज़े नहीं आता। 2010 का एक और ये लीजिए, क्लोरम फेनिकॉल, जो आपको कहते टाइफाइडवा वाला, लो आ गया है क्लोरम फेनिकॉल, आ गया लो,
बताओ जल्दी से आप, क्लोरामफेनिकोल के बारे में कहा कि क्लोरामफेनिकोल क्या होता है, बताइए क्लोरामफेनिकोल आपका होता क्या है ये बता देना है। क्लोरामफेनिकोल ई टाइफाइडवा हो गया है तला क्लोरामफेनिकोलवा खा लीजिए, तो क्लोरामफेनिकोलवा होता क्या है ये बताना है आपको। तो वहाँ दिया था कि एक ऐसा एंटीबायोटिक है ना, बार बार कह रहे थे कि एंटीबायोटिक होता है, वो एंटीबायोटिक होता है। क्वेश्चन में से क्वेश्चन मा देखिए 2010 में पूछा था कि बताइए क्या एंटीबायोटिक, कौन सा एंटीबायोटिक, तो क्लोरामफेनिकोल था। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल होता है वो लोग, एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलो बोगा कहाँ है जी अगला क्वेश्चन, रुक जाइए हमारा कहाँ भागल जाने लेकिन छोड़ के इसी कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है, कौन कार्बोहाइड्रेट है जो आपसे कहा गया है, कौन है जो इसमें कार्बोहाइड्रेट है जल्दी से बता दीजिए, कौन कार्बोहाइड्रेट है। वही चौबान मतलब फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट, थाइमिन है, लैक्टोज है, ग्लिसरॉल है, इंसुलिन है। 2010 का पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए तो क्या है। ये तो बढ़िया आसान है बुआ, है ना, दूधवा में जो रहता है लैक्टोजवा, तो दूधवा में कौन सी रहता है लैक्टोज ना, तो यही हो जाएगा आपका, है ना, कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, लैक्टोज, कौन आ जाएगा जी, लैक्टोज, लैक्टोरोज नहीं, रोज तो दूध पीना है, एक आंसर पर लिखना है लैक्टोज, जा लगाना है, रोज तो दूध पीना है नहीं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कौन ग्लूकोज अति कौन होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट कौन रहता है, तो लैक्टोज आपका जो लैक्टोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, दूध में पाया जाता है। लैक्टोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, कहाँ पावल जाता है बोलो, तो दूध में पावल जाता है। लैक्टोज 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 कितना बार बोले, अब याद कर लीजिएगा इसको, लैक्टोज को ध्यान रहेगा, लैक्टोज आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, 2010 का ही क्वेश्चन था, अब आ रहा है 2011 नहीं अभी 10 है। डीएनए में कहा गया है वो, इसको पहले पढ़ लो आराम से, डीएनए में थायमिन के दो हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा होता है, क्या लिखा गया, पहले आराम से पढ़िए क्वेश्चन, इधर इंग्लिश से हम इंग्लिश पढ़ देंगे फिर बाद में, आप इधर पहले इधर इंग्लिश वाला छोड़ दिए हैं। डीएनए में कहा है बुआ कि जो डीएनए होता है ना, आपको दिख रहा है टोटल क्वेश्चन, दिख ही रहा होगा कि थोड़ा सा और घसका देने उन्हें हो, लो दिख रहा होगा, चलिए आ जाइए, कमेंट में नहीं पढ़ रहे हैं जिससे ऐसे लग रहा है। चलो डीएनए में थायमिन में दो हाइड्रोजन बंधन द्वारा, 2010 से पूछा है, डीएनए में थायमिन दो हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा होता है, है ना, एडिनिन से, साइटोसिन से, थायमिन से, गुआनिन से, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो तो इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेगा बुआ। डीएनए में थायमिन जो है दो हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा होता है, किस भस्म में, एडेनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, गुआनिन है, कौन सा रहेगा, एडेनिन किसी का आ रहा है बुआ, एडेनिन, आई थिंक इसका आंसर एडेनिन रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा बुआ, एडेनिन, एडेनिनमा से जुड़ा होता है बायो, अगर पढ़े होंगे ना तो आपको अच्छा से इसके बारे में जानकारी होगा। अभी एट प्रेजेंट टाइम आप ध्यान रखिए, चूंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो एडेनिन आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर आपका होगा एडेनिन, क्या हो जाएगा, एडेनिन, क्लियर, एडेनिन क्लियर हो गया, एडेनिन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कहाँ आए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किससे आइएगा जी, एडेनिन, अच्छा इंग्लिश से कहा, इन डीए में यहाँ देखिए दिया गया आपको, इंग्लिश वाला हम आपको पढ़ देते हैं, तो इंग्लिश में ये कहा, इन डीएनए थायमिन इज हेल्ड बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद द बेस, कौन सा बेस है, तो एडेनिन आपका आंसर हो जाएगा, एडेनिन से जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन, अगला बस 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 कहाँ भागल जा रहे हैं महाराज, इतना जल्दी भागे तो कम चलेगा, लेकवन नहीं का वो कह रहे हैं कि लेकवन बती नहीं कर रहा, शेयर नहीं कर रहा, इसलिए भाग रहे हैं, शेयर कर दो बउआ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को कर देना है कोई चीज़ तो शेयर कर देना है दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और थोड़ा सपोर्ट रहता है तो अच्छा लगता है बउआ, थोड़ा सा है ना ठीक ठाक रहता है, बनाने में भी मज़ा आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है। चलिए कहा गया है एडिनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, एडिनोसिन किसका उदाहरण रहेगा, है ना, एडिनोसिन जो होता है वो एक किसका उदाहरण है, एडिनोसिन इज एन एग्जांपल ऑफ, न्यूक्लियोटाइड रहेगा, पिरिमिड भस्म रहेगा, न्यूक्लियोसाइड रहेगा और पिरिमिन भस्म रहेगा, पिरिमिन भस्म दो दो बार कहा दिया है, पिरिमिडिन दिया है ना, पिरिमिडिन भस्म दिया है, पिरिमिन दिया है, जल्दी से बता दो तो कौन सा रहेगा, है ना, एडिनोसिन इज एन एग्जांपल ऑफ, एडिनोसिन किसका एग्जांपल होता है, आपको ऑप्शन दिया गया हुआ देख लो, न्यूक्लियोसाइड रहेगा, न्यूक्लियोसाइड कहा है, दूसरा में कहा कि पिरिमिडिन भस्म रहेगा,
न्यूक्लियोटाइड पहला कहा, नहीं नहीं यहाँ न्यूक्लियोटाइड का, हाँ यही तो दिक्कत हो रहा था, दोनों को न्यूक्लियोसाइड पढ़ जा रहे थे, एक न्यूक्लियोटाइड दिया है एक न्यूक्लियोसाइड, वास्तव में दोनों में से कोई एक आंसर है, जल्दी से बता दो दोनों में से कौन आंसर है, दोनों में से कौन आंसर है, न्यूक्लियोसाइड के न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड के न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड के न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड के न्यूक्लियोटाइड, आइए साइड में जरा आ जाइए, साइड में आ जाइए, साइड में क्या लेके चलेंगे, एडिनोसिनमा को साइड में, साइड में तो न्यूक्लियोसाइड आपका आंसर, नहीं तेरा आइए जरा साइड में, तो वही वाला है न्यूक्लियोसाइड, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ध्यान रखना। एडिनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है बउआ, 2010 में, तो किसका रहेगा, एडिनोसिन जो होता है आपका न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम है ना, एक उदाहरण होता है न्यूक्लियोसाइड का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पिरिमिडीन भस्म नहीं है, निम्नलिखित में से कौन पिरिमिडीन भस्म नहीं है बउआ, है ना, पिरिमिडीन भस्म कौन नहीं है, जल्दी से आइए, तो 2010 में, 2010 में तो पूरा बायोलॉजी समझिए, केमिस्ट्री हमें नहीं दिया था, जे दिया था सब एकदम उलूल जुलूल, जिसको कहते हैं ना उलूल जुलूल, उलूल जुलूल जैसा दे दिया था, नहीं उलूल जुलूल से पर एक है ना कि देख रहे थे या कहीं सुने हैं कि एगो लड़का था ता उसको मम्मी ले आके दिए कि ये देखिए कोची से उलूल जुलूल पढ़ा दिए हैं, लड़कमन को उलूल जुलूल पढ़ा दीजिएगा जे, और कुछ गलती उलती पढ़े लेते मैडम थे वो जे, मैडम कहे कि औरतिया कोची बोली मम्मी लिखवा के कि लड़कमन के उलूल जुलूल कोची पढ़े ले हैं, उलूल जुलूल समझता उलूल जुलूल मतलब जैसे थे उटपटांग चीज, लड़कमन के कोची उलूल जुलूल पढ़े ले हैं, तो जो मास्टरनिया थी जो कोची कहती है मतलब मैडम जो थे कहें कि उलूल जुलूल को लड़का पढ़ा दें, बाद में सोच के इसको हंसना ठीक है, अगर नहीं समझ में आया था कहा उलूल जुलूल को लड़का पढ़ा दें जे कह रहे थे, देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन पिरिमिडीन भस्म नहीं है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पिरिमिडीन भस्म, कह रहा यूरासिल रहेगा, साइटोसिन रहेगा, थायमिन रहेगा, गुआनिन रहेगा, 2010 में पूछा गया था, 2010 में जो केमिस्ट्री पूछा बायो केमिस्ट्री पूरा का पूरा समझ बायोलॉजी पूछ दिया था, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया था 2010 में, चलिए तो जल्दी से बता दीजिए क्या रहेगा इसका आंसर, गुआनिन हो जाएगा बउआ, गुआनिन जो होता है ना वो आपको पिरिमिडीन भस्म नहीं होता, ये प्योर अलग भस्म होता है, होता है वैसे लेकिन ये अलग रहता है ना, ये प्योर होता है, तो ये पिरिमिडीन भस्म आपका नहीं रहेगा, तो आपका आंसर इसमें गुआनिन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, आंसर कौन सा आ जाएगा, गुआनिन रहेगा, गुआनिन रहेगा, कौन सा हो जाएगा बउआ, गुआनिन, गुआनिन इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, आइए हटिए महाराज जल्दी से, अब कितना बनवाइए, हाँ आ जाइए फिर से, 2010 वाला क्वेश्चन छोड़िए तो यहाँ से फिर से हम लोग को बायोकेमिस्ट्री जैसा फिर से लगेगा, पहले तो बायोलॉजी लग रहा था 2010 वाला, फिर से बायोकेमिस्ट्री आपको लगने लगेगा बउआ, बायोकेमिस्ट्री लगने लगा है अब, आ जाइए 2009 का क्वेश्चन है बउआ, कहा गया है कि कौन सी दवा बुखार को कम करता है, बता दीजिए कौन सी दवा बुखार को कम करता है, इनालेसिक है ना, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक, पायरो में तो होता है बता रहे थे, एंटीपायरेटिक मतलब एंटीपायरेटिक को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो इंग्लिश वर्ड दिया था, हिंदी में कहते हैं ज्वारनाशी, पायरेटिक मतलब होता है ज्वारनाशी, क्या होता है बउआ, पायरेटिक मतलब ज्वारनाशी, एंटीपायरेटिक को हिंदी में बोलते हैं ज्वारनाशी, तो इसका आपको इंग्लिश वो ध्यान रखना पड़ेगा, एंटीपायरेटिक ज्वारनाशी, तो ज्वारनाशी मतलब बताइए बुखार को कम करे वाला, बुखरवा को कम कौन करता है, एंटीपायरेटिक में तो करता है, पायरो बट जो आता है ना बउआ पायरो, वो पायरो बट है ना टेम्परेचर के लिए आता है, तापमान के लिए ही पायरोबेट का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो आपका एंटीपायरेटिक हो जाएगा, एंटीपायरेटिक हो जाएगा, तो आपका आंसर इसमें कौन सा आ गया बउआ, जल्दी से बता दो आपका आंसर कौन सा रहेगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कई बार आया है, 2009 में भी पूछ दिया है, देख लीजिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, एक और 2009 में कैप्रोलेक्टम मोनोमर है, इसको बताए थे बड़ी इंपॉर्टेंट कहे थे, जिस समय हम पॉलीमर पढ़ा रहे थे ना वो उस समय आपको बताया था कि कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर होता है, हम सबका लिखवा दिए थे, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर होता है वो जल्दी से बता दो, कैप्रोलेक्टम नाइलोन 6 का, नाइलोन 66 का, नाइलोन 2 और नाइलोन 6 का, टेरिलीन का, जल्दी से वहां आपको हम बताए थे कि नाइलोन 6 इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा नाइलोन 6 आपका आंसर क्या आ जाएगा वो नाइलोन 6 होगा आंसर, नाइलोन 6 कैप्रोलेक्टम के बहुत सारे अणु मिलकर नाइलोन 6 का निर्माण करता है, कैप्रोलेक्टम के बहुत सारे अणु मिलकर बउआ आपका नाइलोन 6 का निर्माण करता है, आंसर कैप्रोलेक्टम का मोनोमर हो जाएगा नाइलोन 6 है ना, नाइलोन 6 हो जाएगा या नहीं, कैप्रोलेक्टम जो मोनोमर है नाइलोन 6 का मतलब बड़ी सारा कैप्रोलेक्टम मिलकर नाइलोन 6 का निर्माण करता है, तो पॉलीमर हो जाएगा, कैप्रोलेक्टम मोनोमर है किसका मोनोमर है, तो नाइलोन 6 का मोनोमर है, नाइलोन 6 हो जाएगा, कैप्रोलेक्टम के लिए क्या यूज करना है वर्ड नाइलोन 6। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, धीरे धीरे आ रहे हैं जी, हाँ आ रहे हैं जी आ रहे हैं, दिखे हाँ दिखे दिखे दिखे, ए लीजिए दिख गए हैं, चलो इन्हें ढेर मनी दिया कोची कोची तो इंग्लिश में लिख दिया, बताओ तो इंग्लिश दिखा है इंग्लिश, अरे हिंदी लिखो
नहीं नहीं इंग्लिश लिख के दे दिए, देख लीजिए मनोकामना पूरा कर देते हैं, इनको जरा पढ़ देते हैं तो इनको भी समझ में आया कि बड़ी इंग्लिश है, पढ़ देते हैं पहले इंग्लिश ही है। एमिनो है ना, एमिनो एसिड कंटेन्स टू फंक्शनल ग्रुप, वन इज सी डबल ओ एच एंड अदर एंड दूसरा पूछा गया है कि एमिनो एसिड में जल्दी जल्दी पढ़ गए, एक इंग्लिश वो ना समझ में आया हुई कोची पढ़े हैं, नहीं अपने बेइज्जती हो जाएगा। चलिए अब हिंदी पढ़ देते हैं आराम आराम से। एमिनो अम्ल में दो सक्रिय मूलक होते हैं, दो गो एमिनो अम्ल में होता है, कौन कौन होता है भगवान, तो एगो सी डबल ओ एच होता है और कई बार तो आया है दूसरा एन एच टू होता है, यही तो कह रहा नहीं, ये तो हम बता दिए आंसर भेज लीजिए। पहला होता है सी डबल ओ एच और दूसरा कौन होता है एमिनो अम्ल में, तो कौन होता है एन एच टू होता है, एन एच टू होता है, लीजिए सी इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सी है ना एन एच टू, आपका आंसर क्या आ जाएगा बुआ, एन एच टू एन एच टू एन एच टू एन एच टू एन एच टू, ठीक है एन एच टू आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चले, आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा एन एच टू। हाँ बलमुआ चलावे रेलगड़िया, यह लीजिए पीसीएम एजुकेशन सेंटर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थक गए हैं बोलते बोलते तुम लोग, करेगा नहीं बउआ, लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो, थकल है एकदम बोलते बोलते, सुनबे नहीं करेगा खाली एकदम कर, जितना भी नेटवर्किंग साइट है बउआ सब पर कर देना, सब पर जितना भी लीजिए। अब हम कह रहे थे कि इंग्लिशवा जल्दी पढ़ते समझे भी नहीं आप, खाली इंग्लिश में दे दिया, लो हद तरीके घुसिया कहा गए हैं जी लड़किया घुसियाइए नहीं। चलो कहा गया रबर, पढ़ देते हैं क्या है रबर, समझा देते हैं आप लोगों को, रबर स्टार्च और सेलुलोज तीन चीज बात दिया है, रबर स्टार्च और सेलुलोज, फिर से रबर स्टार्च और सेलुलोज क्या होता है, एंड प्रोटीन भी कहा है, प्रोटीन भी, तब प्रोटीन में बताओ प्राकृतिक होता है कि कृत्रिम होता है, नेचुरल होता है, हाँ नेचुरल ही होता है, तो कहा गया कि सबका हमारा रबर नहीं मालूम है कि कोची है, ऐसे आपको प्राकृतिक रबर बताए थे, स्टार्च मालूम नहीं है सेलो, कोई एक आध को मालूम है, प्रोटीन में आपको मालूम है ना कि नेचुरल है, मान लीजिए कि कोई एक को मालूम है, कहा गया क्या सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक मतलब संश्लेषित, कहा गया नेचुरल पॉलीमर है प्राकृतिक, कहा गया सेमी सिंथेटिक है अर्ध मानव निर्मित है, ये कहना चाह रहा नन ऑफ दीज है, तो कम से कम प्रोटीन मा तो आपको मालूम है ना, तो सबके सब एक साथ दिया है, तो प्रोटीन अगर प्राकृतिक है नेचुरल है बउआ, तो सबके सब आपका नेचुरल भी ना बन जाएगा, बताइए ना प्रोटीन मा तो बता ही रहे थे कि अल्फा एमिनो अम्ल के ढेर मनी मिला के बनता है, आज ही तो डिस्कस किए हैं, इसी में डिस्कस कर रहे थे आपको, तो ध्यान रखना है कि जो रबर है स्टार्च है सेलुलोज है प्रोटीन है सबके सब नेचुरल पॉलीमर होता है, क्या होता है बउआ लोग नेचुरल पॉलीमर होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है, समझ में आ गया प्राकृतिक बहुलक होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन काहे जी रुस्सल हैं, अगला क्वेश्चन कहां गया है जी, कहां गए हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अब आ गए हैं, लीजिए आपका एकदम ताजा ताजा वाला क्वेश्चन है, 2022 अब शुरू होने वाला है, उधर जितना था हम लोग सब लोग कंप्लीट कर लिए हैं, 2022 से स्टार्ट है ना, चलिए देख लीजिए पहले क्या, पहले इसको पढ़ो 2022 वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अपने से जरा पढ़ो, अपने से पढ़ो, क्या है क्वेश्चन अपने से पढ़िए, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको जल्दी से पढ़ो अपने से, पहले पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चनवा में कहा कोची है जी पहले देख लो, क्वेश्चन में कहा क्या है बउआ, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, एमाइलेज एंजाइम बउआ, एमाइलेज ध्यान रहेगा, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज ये होता है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग करते हैं, तो एमाइलेज देख लीजिए आंसर, माल्टोस है, जाइमेज है, इनवर्टेज है और डायस्टेज है, अरे नहीं दिया है बउआ एमाइलेज, आपका वास्तव में एमाइलेज आंसर होता है, अगर नहीं दे रहा तो डायस्टेज वाला को आपको मार देना है, क्या मारना है डायस्टेज मारना है, ये भी होता है लेकिन वास्तव में एमाइलेज एंजाइम ही होता है ना, एमाइलेज एंजाइम जो होता है इस एमाइलेज एंजाइम ही आपको यूज करता है, तो डायस्टेज आप मार दीजिएगा, डायस्टेज आपको हो जाएगा डायस्टेज, ये तो माल्टोजवा बनता है नहीं, आपका एमाइलेज हो जाएगा, एमाइलेज एंजाइम नहीं दिया था डायस्टेज मार दो, नहीं दिया था आपका आंसर, इसको लिख लेना सब लोग, इसको आंसर सब लोग लिख लेगा बुआ, एमाइलेज एंजाइम होता है, कौन सा होता है जी एमाइलेज एंजाइम होता है, नहीं तो डायस्टेज मारो, यहाँ पर डायस्टेज आपको दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 2022 का पहला क्वेश्चन हो गया, सबको हटा दें, हटाए इसको, एमाइलेज मारो, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग करते हैं बुआ, आपका हो जाएगा एमाइलेज, वाह एमाइलेज नहीं दिया था, यहाँ डायस्टेज इसका आंसर मार दो, डायस्टेज मार देना ए वाला।
चलिए अगला क्वेश्चन कर, 2022 का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। 2022 में देखिए कितना आपको आवेगा, जो पीछे पढ़े हैं ना उसी से ढेर मनी आ जाए। लीजिए 2022 वाला क्वेश्चन भैया, लीजिए 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 और ले लीजिए। यह है, निम्नलिखित में किस जैव अणु में एमजी प्रमुख घटक के रूप में रहता है। एमजी को जी में हेमोग्लोबिन, मेरा ने आयरन बताए थे, क्लोरोफिल में, हाँ जी एमजी बताए थे क्लोरोफिल में। 2022 में देखो पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, हो ही गया रिपीटेड क्वेश्चन, नहीं पीछे इसको पढ़ा है ना कि क्लोरोफिलवा जो होता है और एमजी रहता भर भर के रहता मुख्य संघटक के रूप में रहता है ना धातु में, और आयरन होता है केरा में बहुत आता है, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, और इसमें क्लोरोफिल में कौन आता है, एमजी रहता है, एमजी रहता है, एकदम ध्यान रखो क्वेश्चन देखो रिपीट किया है पीछे से। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट 2022 का अगला क्वेश्चन, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तुम सब्सक्राइब रहता नहीं किया है बउआ, और नहीं क्या कहते हो लाइक कर रहे हो शेयर कर रहे हो, इस कारण से देखो क्वेश्चन में देर हो रहा है। लीजिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या दिया है अगला क्वेश्चन, कहा गया है एंजाइम है ना, एंजाइम बताइए 2022 में, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन होता बताया थे, मैक्सिमम प्रोटीन एंजाइम होता है, प्रोटीन एंजाइम आपका होता है, प्रोटीन आपका आंसर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, सब पीछे वाला रिपीटेड क्वेश्चन, इसीलिए कह रहे हैं कि पीछे वाला याद करो सब कंप्लीट होगा बउआ, सब अपनी याद होते चल जाएगा, प्रोटीन आपका आंसर आ जाएगा। लीजिए आपका प्रोटीन हो गया आंसर, प्रोटीन हो गया बउआ, प्रोटीन हो गया जी, प्रोटीन हो गया, आप आइए आ बिल्कुल ला। चलिए गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है 2022 में, लो इन्हें देख लो पहले 2022 लो दिखा देते हैं, अल्लाह दिख रहा है 2022 दिख रहा, हाँ अब दिख रहा तो दिख रहा था, थोड़ा इसको इन्हें करते हैं, अरे इन्हें जाइए, अरे महाराज रुकिए, बस 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 बस, अरे इसे इसे करें बड़ी अच्छा लगता है, नहीं खेले मिले एक मन निगर, अच्छा क्लस वा खत्म होने के बाद पत्नी के साथ थोड़ा ऐसे ऐसे करके खेल लेंगे, उन्हें उसको लगा देंगे, इन्हें हम लग जाएंगे। लीजिए मतलब माइके तो गेल है यार, और दिया कहा कहें ठंडा में लगता बुला ले बुला खोज रहा ना। अच्छा बुलावेंगे, हाला कहता गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलेगा, 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है बउआ, गन्ने की चीनी जो होता है ना उसको अगर जल अपघटन करवाते हैं तो क्या मिलता है, सिर्फ ग्लूकोस मिलता है, करा के ना खाली ग्लूकोस में मिलवे करेगा, ग्लूकोस और माल्टोस मिलेगा, नहीं बउआ ये भी नहीं मिलेगा, जो चीनी होता है ना मतलब एक फल जैसा होता है ना, तो जो फ्रूट वाला होता है उसमें फ्रुक्टोस मिलना जरूरी है, फ्रुक्टोस रहता है, तब देख लो कहीं है फ्रुक्टोस बाबूआ, ग्लूकोस और फ्रुक्टोस दिया कहीं और फ्रुक्टोस नहीं है, तब फल वाला में फ्रुक्टोस मिलता है बउआ, फल वाला में फ्रुक्टोस मिलता है, तो गन्ना वाला जो होता है ना वो फल ही तो है, मार के दम चिबा जाते हैं उसको, फल ही तो है नहीं, तो और फल वाला जितना रहता है ना सब में कोई फ्रुक्टोस रहेगा, क्या रहेगा बउआ फ्रुक्टोस, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ग्लूकोस और फ्रुक्टोस तो देवे क्या, तो आपका आंसर आ जाएगा ग्लूकोस और फ्रुक्टोस दोनों, ग्लूकोस और फ्रुक्टोस कौन सा आंसर आपका रहेगा, सी, थोड़ा दिमाग लगा देना काम हो जाएगा, ग्लूकोस और फ्रुक्टोस। चलिए आपको बायोकेमिस्ट्री में वो नहीं पढ़ा जो 2010 में आपको पूछ रहा था, 2010 वाला जो आपको पूछ रहा था ना बउआ वो वास्तव में बायोलॉजी थी, हाँ केमिस्ट्री है ही नहीं, नहीं ये सब देख रहे हो नॉर्मल क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग सेंस लगाओ काम हो जाएगा आपका, उसे ज्यादा की जरूरत नहीं है, यानी कि आप जब उसको पता रहेगा ना बउआ कि उसको पूछना रहेगा ना कि आपसे ना बने तो इसने पूछ देगा, लेकिन आपसे अगर पूछना ऐसा रहेगा आपसे बन जाए तो आराम से पूछेगा ना, अब बना दीजिए जैसे आपसे आपको अगर ये है कि ये पूछना चाहें कि आप क्वेश्चन के जवाब दीजिए तो हम सीधे पूछें कि आपके अपने मौसा जी के नाम बताइए, बता दोगे, अगर हम चाहें कि आप बताइए तब, अगर हम चाहें कि ना बताइए ना तो हम पूछते हैं कि हमारे मौसा के नाम बता दो, अब मुश्किल हो जाएगा फिर कैसे बता पाइएगा, तो वही बात है अगर आप वो एग्जाम वाला चाहेगा ना कि आपसे क्वेश्चन बनवा दे तो वही उसने पूछेगा पैटर्न पे, ना ही अगर बनवाना चाहेगा ना तो वैसे दे देगा ना, वो केमिस्ट्री बायोलॉजी दे देगा वो आपको, बनाते रहिए आप जानवे नहीं करते, जो बायोलॉजी पढ़ा जाए बनावेगा, तो 2010 में वही किया था, बताइए थे गन्ने वाला जो गन्ना जो होता है वो उसको जल अपघटन करवाते हैं तो क्या देता है, फल तो होता है फ्रुक्टोस देता है आपका, तो उसमें फ्रुक्टोस में आपको यही तो दे रहा है ग्लूकोस और फ्रुक्टोस आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 2022 का एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं 2022 वाला देख लीजिए, कहाँ हैं जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, लीजिए 2022 निम्नलिखित में किसके अवकृत करने से सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है, ये तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया बउआ,
है ना, ये तो ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है 2022 में, ऑर्गेनिक वाला लिखा गया, ये आपका है ना बायोकेमिस्ट्री का ये नहीं है, इसमें कार्बाइल एमीन हो जाएगा आपका आंसर। कार्बाइल एमीन के आप क्रीत करते हैं ना तब सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है ना, कार्बाइल एमीन एमाइड नहीं, कार्बाइल एमीन ही होता है, आइसोसाइनाइड जिसको टेस्ट कहते हैं, आइसोसाइनाइड जिसको कहा जाता है, एनसी वाला कार्बाइल एमीन होता है, इसको करते हैं तब ना जाके है ना सेकेंडरी आपको नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 2022 वाला आप देखना इसको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसके अभिक्रिया ऑर्गेनिक में इसको समझावेंगे आपको हम नहीं कि निम्नलिखित में से किसके अभिक्रिया करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, तो सेकेंडरी एमीन जो आपको मिलेगा ना कार्बाइल एमीन मा से मिलता है, कार्बाइल एमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड जो होता है ना आइसोसाइनाइड टेस्ट बैड स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जहां पर ये रहता है, तो यहाँ जो कार्बाइल एमीन होता है CH3NC या आइसोसाइनाइड कहते हैं, आइसोसाइनाइड इसको कहा जाता है, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा है ना किसके अभिकृत करने से, किसके अभिकृत करने से आपको सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, तो सेकेंडरी एमीन जो रहेगा ना कार्बाइल एमिनमा से बनता है, इसको अभिकृत कीजिएगा तो बन जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2022 का अगला क्वेश्चन में आ जाइए, कहाँ है जी अगला क्वेश्चन 2022 वाला, हाँ CH3NO क्या आ गया, फॉर्मूला पूरा नहीं है बउआ, 2022 में देख लेना, नहीं टोटल फॉर्मूला कुछ ही नहीं, फॉर्मूला लगता है दो तीन छूट गया, प्रिंटिंग में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इसको कैसे हम बतावें क्या है ये, यहाँ C3H या कुछ है ये ना कुछ रहेगा तो नहीं बता सकते हैं कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं हवा कुछ दे ही नहीं, तो हम कुछ ही बतावें, यहाँ कुछ होना चाहिए, अब देखना क्वेश्चन में अगर आपके पास होगा ना तो देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं 2022 में पूछा है इसे क्वेश्चन, आपको वहाँ दो तीन चार छूटा हुआ है, तो यहाँ C3H ऐसा करके रहता ना तो हम आपको बता देते, लेकिन है ही नहीं, तो इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत छप गया है पता नहीं चल रहा, तो इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए ये लीजिए आपका आ गया बउआ, गैमेक्सिन के बारे में कहा है, गैमेक्सिन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, गैमेक्सिन 2022 से पूछा था गैमेक्सिन के बारे में, बता दीजिए गैमेक्सिन मां, निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है 2022 का क्वेश्चन है, गैमेक्सिन कौन है जल्दी से बताइए, गैमेक्सिन कौन है, गैमेक्सिन कौन है जी, गैमेक्सिन कौन है, गैमेक्सिन है निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है 2022, क्लोरोबेंजीन है, DDT है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है वो ना, गैमेक्सिन में ध्यान रखना बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ना, DDT एक तो अलग चीज है, तो गैमेक्सिन आपका हो जाएगा, गैमेक्सिन का प्रयोग करते हैं छिड़काव उड़काव के लिए है ना डेली लाइफ में हम लोग, तो गैमेक्सिन क्या रहेगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन क्या रहेगा वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड रहेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए, 2022 का नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन बायोस्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, 2022 का क्वेश्चन है, बायोस्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा गया वो बायोस्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, बायोस्पेक्ट्रम नहीं दिया है, बायोस्पेक्ट्रम कहाँ से बोल रहे हैं हम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा है ना, ब्रॉड मतलब पूरा लंबा चौड़ा जैसे एकदम दूर तक के एक बड़े पैमाने पर जीवों को नष्ट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं, ब्रॉड मतलब पूरा चौड़ा जैसा, मैंने बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकता है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, आंसर दिया है टेट्रासाइक्लिन, तो होता ही है, पढ़ लीजिए क्लोरोमाइस से तीन है ये भी होता है, पेनिसिलिन लीजिए आपका आ गया पेनिसिलिन, फ्लेमिंग साहब का लीजिए पेनिसिलिन आपका आंसर रहेगा, ये आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होता पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आपको ध्यान रखना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन नहीं होता था पेनिसिलिन, ध्यान रहेगा वो पेनिसिलिन आपका हो जाएगा पेनिसिलिन आपका आंसर आ जाएगा वो पेनिसिलिन हो जाएगा आपका आंसर पेनिसिलिन, सी आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होता 2022 में पूछा गया था पेनिसिलिन आपका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन 2022 वाला अगला क्वेश्चन आ जाइए जल्दी से, आ जाओ जल्दी से बुआ, हाँ क्लोरोक्वीन में है एक क्या, क्लोरोक्वीन सुना है मलेरिया वलेरिया किसी का हुआ था उसके बारे में सुना है बउआ, क्लोरोक्वीन मलेरिया वलेरिया वाला कंडीशन में है ना, क्लोरोक्वीन सब लोग सुने हो मलेरिया वाला, किसी को मलेरिया हुआ है एंटी मलेरियल होता है बउआ, क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल हो भी नहीं देगा, एंटी मलेरियल रहता है, एंटी मलेरियल होता है बउआ क्लोरोक्वीन, ध्यान रखना क्लोरोक्वीन है ना, क्वीन मतलब रानी, क्लोरीन वाला तो क्लोरीन वाला रानी कोची नहीं हो भी जाता, मलेरिया को रोकता है बउआ क्लोरोक्वीन, रानी के लिए ये मलेरिया नहीं होगा, नहीं रानी के लिए मतलब ब्याह मत कर लेना भैया, क्या हो जाएगा बउआ तो क्लोरोक्वीन क्या रहेगा एंटी मलेरियल हो जाएगा, एंटी मलेरियल रहेगा बउआ, एंटी मलेरियल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की ओर चल दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की ओर बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया 2022 का ही क्वेश्चन था,
और हैं जी, आ जाइए। हाँ यहाँ पर आइए, देखो तो सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू, यही तो दिया, देख लो तो सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू, निम्नलिखित में से किसका एकलक है, यही तो कह रहा है सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू किसका एकलक होता है, ये कहना सी एफ टू दिया, यही ना दिया सी एफ टू और डबल बॉन्ड सी एफ टू, ये कहा गया कि किसका एकलक होता है, तो क्लोरो दिया है ना, टेफ्लोन का होता, ग्लिप्टल का होता, नायलोन सिक्स गुना इसने टेफ्लोन का होता, टेट्रा फ्लोरो इथीन, देखो टेट्रा मतलब चार को फ्लोरिन है, दो को यहाँ, तो चार को फ्लोरिन है, दो को कार्बन दिया है, तो दो कार्बन का एक का मेथ दो का ये थे, और डबल बॉन्ड है तो एथेन नहीं एथीन, तो ना टेट्रा फ्लोरो एथीन टेफ्लोन का होता है, टेफ्लोन आपका आंसर हो जाएगा, टेफ्लोन का टेट्रा फ्लोरो एथीन, टेफ्लोन का टेट्रा फ्लोरो एथीन, तो आपका हो जाएगा आंसर टेफ्लोन 2022 में पूछा था, तो आंसर आपका टेफ्लोन हो जाएगा। थोड़ा शेयर कर देना है बुआ, बड़ी देर से आप लोग के लिए लग रहे हैं, देखिए इतना अधिक एक दिन पढ़ाते हैं तैयो आप लोग शेयर नहीं करते हो, बताओ तो बताओ 2022 में निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, बताएं ही योगशील बहुलक कौन है, योगशील बहुलक बता दीजिए, योगशील बहुलक कौन सा है बउआ, योगशील बहुलक कौन है, कौन आपका योगशील बहुलक होता है, योगशील मतलब खाली जुड़े, खाली बस केवल आपस में जुड़ जाए उसको योगशील कहेंगे, तो कौन सा, पॉलीथिनमा नहीं बताए थे, नायलॉन सिक्स नहीं, कैप्रोलेक्टम होता ये भी नहीं, डेक्रोन नहीं, आपका कौन सा हो जाएगा बता दीजिए, तब पॉलीथीन ना पॉलीथीन बताते बताए थे, एथीन के बहुत सारे, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन कह दीजिए या पॉलीथीन कहिए, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, पॉलीथीन कह दीजिए, पॉलीथीन आपका इसमें आंसर आ जाएगा, पॉलीथीन रहेगा आंसर, क्या रहेगा पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीथीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चल लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ विटामिन सी को क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो, 2022 में पूछा क्वेश्चन है, 21 से ही पूछा था ना, 21 में भी तो पूछा था विटामिन सी के बारे में, कई बार पूछा है ये विटामिन सी को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए विटामिन सी को क्या कहेंगे, विटामिन सी क्या रहेगा वो, विटामिन सी क्या रहेगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, निकोटीनिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, टार्टेरिक अम्ल होता है, टार्टेरिक होता है, टार्टेरिक, बताइए क्या हो जाएगा, विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं वो, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो है ना आपका विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, पीछे इसको डिस्कस किए हैं, तो आपका आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन की ओर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में और हैं तो चलिए, और में ही है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए पीसीएम एजुकेशन सेंटर को है ना, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना हुआ, पीसीएम एजुकेशन सेंटर आपका अपना यूट्यूब चैनल है, और यहाँ ये है हमारे जितीश सर, हमारे जितीश सर मतलब हम ही हैं बउआ, यहाँ ना स्पेलिंग में थोड़ा देख लेना, सब लोग स्पेलिंग में गलती कर देता है, कोई यूट्यूब पर जे आई टी ई एस एच का टी जे आई टी आई एस एच सर्च करना है, हैशटैग लगा के सर्च कीजिएगा बिना स्पेस दे ले, तो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आइए अगला क्वेश्चन में चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओहो ई हो गल बह बउआ कौची खत्म, क्या हो गया है आपका, यहां आग हो गया खत्म, ये आपका एंड हो गया है बउआ, यहां पर जो आपको हम पढ़ा रहे थे बायो मोलिकुल्स वाला टोटल खत्म कर दिए, बायो केमिस्ट्री वाला जो था ना, बायोकेमिस्ट्री टोटल हो गया आपका, क्या इंड हो गया बउआ इंड, अब बायोकेमिस्ट्री में कुछ पढ़ावे की जरूरत नहीं है, बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ा दिए, पांच नंबर वाला क्वेश्चन है आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिए पूरा, क्या होता है, के प्रकार के होता है, डीएनए आरएनए आपको टोटल पढ़ा दिए हैं, आपको एमिनो एसिड पढ़ा दिए हैं, पॉलीमर पढ़ा दिए हैं, टोटल दो नंबर वाले में कितना क्वेश्चन दिया था टोटल करवा दिए हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन किया था टोटल पांच चीजें पढ़ा दिए हैं, आपको हम क्या करेंगे बायोकेमिस्ट्री करके वो प्लेलिस्ट बना देंगे, उसी में जितना भी बायोकेमिस्ट्री आपको हम पढ़ाए हैं ना बउआ वो टोटल उसमें दे देंगे, आप देख लीजिएगा इसको पूरा एकदम ढंग से देख लेना है, बायोकेमिस्ट्री टोटल आपको हम खत्म कर दिए हैं, ये कंप्लीट हो गया, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे पहले आपको हम एक वीडियो आप है ना में लाइव आए थे जस्ट इससे पहले वाला में, जिसमें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हम पढ़ाए थे बउआ है ना, प्रायिकता जिसमें पार्ट वन आपका एकदम आराम से पढ़ाए हैं प्रायिकता, यानी कि जल्दी हड़बड़ में नहीं पढ़ाए हैं, एकदम आराम से पढ़ाए, सोच सोच के एकदम क्या आप आराम से उसको बनाइए, ढंग से समय दीजिए आपको बनाए हैं, उसके ऊपर मेहनत करो, ध्यान दो, प्रायिकता का एक पार्ट हुआ, दो तीन पार्ट में और उसको खत्म कर देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबको इस समय के लिए गुड नाइट बउआ, आराम से घर पर पढ़ेगा, ठीक है, चलो सबको गुड नाइट बउआ लोग, सबको गुड नाइट, सबको गुड नाइट, गुड नाइट सबको गुड नाइट, थोड़ा चैनल पे ध्यान रखना है, नहीं
आप ही लोग के लिए तो ये कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग तो ध्यान रखना है ना। चलिए ठीक है बउआ, गुड नाइट सब लोगों को। कल हम लोग बात करने वाले हैं देख देख के कि कौन है, ये है ये है, सबके नाम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है चलिए कल हम लोग मिलेंगे, फिर हम मिलेंगे कि बजे 6 बजे मिलेंगे बउआ। एक क्लास 6 से 7 होगा, दूसरा 7 से 8 आपका रहेगा, कल वाला क्लास था 6 से 7, 7 से 8 में हम लोग मिलने वाले हैं कल। कितना से कितना, 6 से 7 और 7 से 8 है ना। चलिए ठीक है, गुड नाइट सबको, सबको गुड नाइट बउआ, सबको गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।